हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज अदीशा चंदेल और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कैसे, ये जो आपको पीडीएफ दिखेगा आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक्सेस कर सकते हैं। इस पीडीएफ में सर्टेन पोर्शन हाईलाइटेड है। नाउ दिस हाईलाइटेड पोर्शन इज इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको साइड बाय साइड अपनी एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर इसको मार्क कर सकते हैं। तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से, तो ये वाले जो पोर्शन है वो आपको अपने आंसर्स में फाइनली लिखने हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे सर्टेन क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, आपको मिलेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सॉर्ट ऑफ लाइक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। तो एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो यू विल बी डूइंग दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑब्वियसली। एक बार एनसीईआरटी की क्वेश्चंस भी हो जाते हैं देन यू विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस। तो ये सब आप एक बार कर लेंगे तो आपका चैप्टर पूरा ओवरव्यू हो जाएगा एक बार अच्छे से, एंड आपका सब कुछ मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा, सो दैट आप एग्जाम में अच्छे से आंसर्स लिख के आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो नोट्स से बेटर पढ़ पाते हैं, उनको नोट्स से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो आपको नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो उसमें फ्लो चार्ट वगैरह के साथ समझाया होगा, तो उससे आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएंगे। तो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। अब जो चैप्टर का नाम है दैट इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। अब ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं, राइट? कि हाय माई सेल्फ या फिर योर सेल्फ या फिर पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो अच्छा उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, दैट इज वाई दैट पर्सन इज बिहेविंग दिस वे। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन वे में हम लोग यूज करते हैं। तो जब हम लोग ये यूज करते हैं तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रहे हैं किसी के एग्जिस्टेंस का, राइट? कि वो इंसान एग्जिस्ट इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी इस वे में है। तो अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा से हैप्पी है, ठीक है, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, तो उसके एक्सपीरियंसेस जितने थे पास्ट लाइफ में वो सब उनका बिहेवियर डिफाइन करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, आप देखोगे जो लोग अग्रेसिव होते हैं उनके पास्ट लाइफ में भी उनके साथ बहुत सारे लोग अग्रेसिव होते थे। सो दैट इज हाउ आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं पहले के, दैट डिफाइंस कि आपका बिहेवियर कैसे होगा एंड इन टर्न आपका सेल्फ कैसे होगा और आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। एंड ऑब्वियसली अब ये पर्सनैलिटी जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन कहीं ना कहीं आपका जो बिहेवियर होता है वो डिफर करता है, बट जो आपका अंदर के ट्रेट्स होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होता है। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर कोई इंसान अग्रेसिव है तो जरूरी नहीं है कि हर सिनारियो में वो उनको अग्रेशन वो दिखाएंगे अपने बिहेवियर में। वो शायद से एंगर अंदर से फील कर रहे होंगे बट जरूरी नहीं है कि वो दिखाए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी एल्डर से बात कर रहे हैं और मे बी यू नो लाइक इफ अ पर्सन उनको गुस्सा आ रहा है अपने से फ्रेंड के ऊपर वर्सेज उनको गुस्सा आ रहा है अपने पेरेंट्स के ऊपर वर्सेज उनको गुस्सा आ रहा है अपने टीचर के ऊपर, हर सिनारियो में उनका जो अग्रेशन है बिहेवियर में वो डिफरेंट होगा। वाई? बिकॉज वहां पे सिचुएशन जो है उनका कॉन्टेक्स्ट जो है दैट विल डिफर। सो इसी रीजन से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका पर्सनैलिटी होता है वो रिलेटिवली स्टेबल होता है बट वो आपके कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट में डिफर करता जाता है। अब सेल्फ एंड पर्सनालिटी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो सेल्फ होता है आपका उसके बारे में आप उतने ही अवेयर होते हो जितना आप अपने सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स के बारे में अवेयर होते हो, राइट? तो अगर मैं आपको बोलूंगी अपने सराउंडिंग में देखो देन यू नो डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी, तो आप जैसे उनको डिस्क्राइब कर सकते हो आप अपने सेल्फ को भी वैसे ही डिस्क्राइब कर सकते हो। इसी के साथ साथ जो आपका सेल्फ होता है वो ओवर योर इंटायर चाइल्डहुड डेवलप होता है। बचपन में वो आपके इंटरेक्शंस जो आपके पेरेंट्स के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, टीचर्स के साथ होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं आपके सेल्फ का इमर्ज करने के लिए। इसी के साथ साथ आपके इंटरेक्शन थ्रू आउट योर लाइफ, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बचपन में, थ्रू आउट योर लाइफ जब भी आपके इंटरेक्शन और एक्सपीरियंसेस जैसे तरीके के होते हैं वैसे ही आपका सेल्फ जो होता है वो इमर्ज करके आता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि जो लोग अग्रेसिव होते हैं यूजुअली उनके पास्ट में भी बहुत सारे लोग अग्रेसिव होते हैं उनके साथ, तभी उनका बिहेवियर ऐसे होता है। वर्सेस यू नो समबडी जो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है, जो बहुत ज्यादा हैप्पी है, मे बी पास्ट में उनके साथ उतने एक्सपीरियंसेस ऐसे हों जिसके वजह से वो आज वैसे तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो वैसे उनका पर्सनालिटी एंड सेल्फ जो है वो शेप होता जाता है विद योर एक्सपीरियंसेस। अब आपका जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी कार्ड जैसे हम लोग पहन के जाते हैं जो आपको डिफाइन करता है आपके कैरेक्टरिस्टिक वेस को, वो आइडेंटिटी आपकी दो तरीके की हो सकती है। एक होती है पर्सनल आइडेंटिटी और एक होती है सोशल आइडेंटिटी। नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये किस चीज को डिफाइन करता है। पर्सनल आइडेंटिटी जो होता है वो पर्सन से रिलेटेड होता है, ठीक है, इंडिविजुअल ज्यादा वहां पे फोकस होता है। तो पर्सनल आइडेंटिटी जो होता है आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि आपको एक ग्रुप से स्टैंड अपार्ट कराते हैं, ऐसी चीजें जो आपको दूसरे लोगों से डिस्टिंक्ट बनाती है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स दैट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। तो जैसे कि आपका नाम हो गया, आपके प्रेफरेंसेस हो गए, आपका इंटरेस्ट हो गया, आपके चॉइसेस हो गए कि आपको कैसे बिहेव करना पसंद है, या फिर आपका यू नो ओवरऑल जो भी एडजेक्टिव से आपको डिस्क्राइब करते हैं लोग, वो सारे आपका पर्सनल आइडेंटिटी बन जाती है कि माय नेम इज आदिशा, मेरे को फुटबॉल खेलना पसंद है, मेरे को यू नो बुक्स पढ़ना पसंद है। तो ये सारी जो चीजें हो जाती है ये मेरे को डिफरेंट बनाती है फ्रॉम यू नो क्राउड, दीज आर थिंग्स विच आर रिलेटेड ओनली टू मी।
सोशल आइडेंटिटी ऑन द अदर हैंड मीन्स कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपको क्राउड का पार्ट बनाती है, किसी ग्रुप का पार्ट बनाती है। तो जब भी कोई भी चीज आपको ग्रुप का पार्ट बनाती है तो वो कौन सी चीजें हो जाती है, जैसे कि आप किसी कंट्री से बिलोंग करते हो तो इंडियन, ठीक है, इंडिया में आप नॉर्थ इंडिया में तो नॉर्थ इंडियन, नॉर्थ इंडिया फिर उसके बाद किसी स्टेट से हो, जैसे आप हरियाणा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, तो वो आपका फर्दर वो हो जाता है। इसी के साथ साथ मतलब जो आपकी सोशल आइडेंटिटी होती है वो रिलीजन भी हो सकती है, आपका कास्ट भी हो सकता है, आपका स्कूल से जिससे बिलोंग कर सकते हो, आप जिस कॉलेज से जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, वो सब आपका सोशल आइडेंटिटी आ जाता है। तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे, जो भी चीज आपको ग्रुप से स्टैंड अपार्ट कराती है दैट इज योर पर्सनल आइडेंटिटी, जो भी चीज आपको ग्रुप का पार्ट बनाती है दैट इज योर सोशल आइडेंटिटी। अब सेल्फ की डेफिनेशन क्या होती है, सेल्फ बेसिकली रेफर्स टू द टोटैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आइडियाज थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड टू हरसेल्फ और हिमसेल्फ। इसका क्या मतलब हो गया, सारे जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, सारे जो आपके आइडियाज होते हैं, सारे जो आपके थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं अपने बारे में, वो आपका सेल्फ बनाते हैं, ठीक है। सारे जो एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हो यू नो डे टू डे लाइफ में, ऑल ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जैसे आपका थॉट्स हो गया, आइडियाज हो गया, एज वेल एज द अफेक्टिव पार्ट जो आपकी फीलिंग्स हो गया, वो आपका सेल्फ बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है सेल्फ की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आपको लिखना होगा। अब जो आपका सेल्फ होता है वो सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने इंग्लिश में पढ़ रखा है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है आई नो हु आई एम, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन मतलब बेसिकली परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये जो नोइंग का एक्शन है कि आई नो हु आई एम, ठीक है, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ या मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ, तो ये जो नोइंग वाला एक्शन है दैट इज योर सब्जेक्ट। और जो चीज ऑब्जर्व हो रही है विच इज योर सेल्फ ओनली इन दिस सिनेरियो दैट इज द ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एक्टिवली पार्ट ले रहा है जानने में, और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे सेल्फ जो है इट इज बीइंग ऑब्जर्व। तो आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने में, बट यहाँ पे बेसिकली यही है कि जो आपका सेल्फ होता है वो जानता भी है अपने आप को, और जो सेल्फ है वो ऑब्जर्व भी हो सकता है। तो यहाँ पे डुअल नेचर है सेल्फ का। तो जो सेल्फ है आपका इट इज सेल्फ मतलब वो उसको पता भी है वो कैसा है, एंड वो अपने आप को ऑब्जर्व भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो सेल्फ होता है उसका डुअल स्टेटस होता है, हमको ये ध्यान में रखना है। अब सेल्फ भी होता है उसके भी बहुत सारे वेरियस काइंड होते हैं। जो बचपन में बच्चे पैदा होते हैं तो उनका बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा बायोलॉजिकल सेल्फ ही होता है। तो जब भी आप देखोगे जब बच्चे रो रहे होते हैं तो वो यूजुअली क्यों रो रहे होते हैं, बिकॉज उनको भूख लग रही होती है, राइट। तो बिकॉज दे डोंट हैव लैंग्वेज, दे डोंट हैव एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो दे आर बेसिकली क्राइंग, या फिर वो किसी भी रिफ्लेक्स को यूज करते हैं टू शो वट एवर दे वॉन्ट। तो ये हो जाता है उनका बायोलॉजिकल सेल्फ। हम लोग एवरी वन ऑफ अस इज बॉर्न विद अ बायोलॉजिकल सेल्फ। हाउएवर विद टाइम जब वो बड़े होते जाते हैं तो उनका इंट्रैक्शन बढ़ता जाता है अपने एनवायरमेंट के साथ, उनके एक्सपीरियंसेस आने लग जाते हैं, वो लर्न करते हैं लैंग्वेज और वेरियस अदर कम्युनिकेशन मीन्स को, तब उनका एक पर्सनल सेल्फ भी जो होता है वो इमर्ज करने लग जाता है। अब पर्सनल सेल्फ जो होता है वो क्या किस चीज पे फोकस करता है, अगेन यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिटी सोशल आइडेंटिटी की तरह ही है। ये भी पर्सनल सेल्फ फोकस करता है पर्सनल फ्रीडम पे, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, पर्सनल अचीवमेंट पे और पर्सनल कंफर्ट्स पे। एवरीथिंग टू डू विद दैट इंडिविजुअल इज व्हाट द पर्सनल सेल्फ इज अबाउट, कि मेरी फ्रीडम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरे अचीवमेंट्स, मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ लाइफ में, दैट इज योर पर्सनल सेल्फ। सोशल सेल्फ इज इन रिलेशन टू अदर पीपल, हाउ माई सेल्फ इज इमर्जिंग विद रिलेशन टू अदर पीपल, मतलब कि मैं खुद भी एग्जिस्ट कर रही हूँ उसके साथ साथ मैं बाकी लोगों के साथ भी एग्जिस्ट कर रही हूँ। जब मैं बाकी लोगों के साथ एग्जिस्ट करती हूँ तो मुझे कॉपरेशन पे फोकस करना होता है, मुझे यूनिटी पे फोकस करना होता है जिससे हमारा जो ग्रुप है साथ में रहे, अफिलिएशन पे फोकस करना होता है, शेयरिंग पे सब फोकस करना होता है, सपोर्ट देना होता है, सैक्रिफाइस करना होता है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये ग्रुप को साथ में लाते हैं। तो पर्सनल सेल्फ आपका अपने आप से ओरिएंटेड होता है, सोशल सेल्फ आपका सेल्फ कैसे बाकी लोगों के रिलेशन में इमर्ज करता है, दैट इज वाई इट्स ऑल्सो नोन एज फेमिलियल और रिलेशनल सेल्फ। अब कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ की अगर हम लोग बात करें तो देर इज दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट नाम से ही हम लोग समझ रहे हैं कि अपने बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है। आइडियाज दैट वी होल्ड अबाउट आर ओन एट्रीब्यूट्स इज वॉट सेल्फ कॉन्सेप्ट इज अबाउट। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत सारे लेवल्स पे हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं एक जनरल लेवल में आपसे पूछूं कि अच्छा आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, तो लोग या तो बोलेंगे अच्छा मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट काफी पॉजिटिव है, या फिर मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत नेगेटिव है। उसके बाद अगर आप फर्दर डिग इन करोगे कि अच्छा ठीक है आपका सेल्फ कॉन्फिड जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये पॉजिटिव है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें जो आपको अच्छी लगती है, कौन कौन सी चीजें जो नहीं पसंद आती, तो शायद से लोग बोले कि अच्छा मैं एकेडमिक्स में अच्छी हूँ बट मेरा स्पोर्ट्स में उतना इंक्लिनेशन नहीं है,
फिर आप फर्दर डिग इन करोगे। अच्छा, आप एकेडमिक्स में अच्छे हो, पर आप एकेडमिक्स में ऐसी कौन सी चीजें जहाँ पे आप अच्छे हो और जहाँ पे आप गंदे हो? तो शायद से मेरा लैंग्वेज वाले उसमें ज्यादा स्किल्स है, बट मेरा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कम है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि एक जनरल लेवल से भी हमारा हायरार्की जो है वो नीचे जा सकता है। आप जितना ज्यादा नीचे जा सकते हो, जितना डिग इन कर सकते हो, उतने लेवल पे आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर आपको किसी भी इंसान का जानना है, तो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज वे जो होता है, उस इंसान को उसके बारे में पूछो। ठीक है, ऑब्वियसली आप एज अ पर्सन बाहर से आपको नहीं पता होगा कि किसी का सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है। थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हो उनके बिहेवियर से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी एक्सप्रेशन से, बट द ट्रू सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है किसी भी इंसान का, वो सिर्फ वो खुद इंसान आपको बता सकता है। सेल्फ एस्टीम, अनदर वर्ड जो हम लोग काफी यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। सेल्फ एस्टीम इज बेसिकली हम लोग एज इंडिविजुअल्स हमेशा अपने आप को जज कर रहे होते हैं और वैल्यू जजमेंट्स बना रहे होते हैं खुद के बारे में, कि अच्छा मैं इस फील्ड में ऐसी हूँ, मैं उस फील्ड में ऐसी हूँ, और फिर हमारा एक ओवरऑल सेल्फ एस्टीम निकल के आता है कि अच्छा मेजोरिटी चीजों में मैं अच्छी हूँ तो मेरा सेल्फ एस्टीम अच्छा है, मेजोरिटी चीजों में मैं गंदी हूँ तो मेरा पुअर सेल्फ एस्टीम हो जाता है। तो सेल्फ एस्टीम बेसिकली यही जजमेंट होता है जो हम अपने बारे में बनाते हैं। सेल्फ एस्टीम जब भी हम असेस करते हैं किसी भी इंसान का, तो यूजुअली जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट वो क्वेश्चनर्स देते हैं, एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं कि दिस जो स्टेटमेंट है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, हाउ ट्रू इज दिस फॉर यू, और हाउ नॉट ट्रू इज दिस फॉर यू, हाउ फॉल्स इज दिस फॉर यू। सो इस सिनेरियो में बेसिकली इन ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन से हम लोग किसी भी इंसान का सेल्फ एस्टीम जो है वो जज कर सकते हैं। अब यूजुअली देखा जाता है कि जो 6 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम 4 डोमेन्स में होता है। सबसे पहला डोमेन होता है एकेडमिक, मतलब पढ़ाई लिखाई में वो कैसे हैं, उसमें वो उनका सेल्फ एस्टीम इमर्ज करता है। एक होता है सोशल, उनके ग्रुप्स में उनका कैसा है, ठीक है, उनका सोशल सर्कल कैसा है, दैट इज अनदर थिंग अबाउट योर सोशल कॉम्पिटेंसी। फिर आ जाता है फिजिकल एथलेटिक, ठीक है, वो लोग फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह, आपको पता है बच्चे कितना ज्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं उसमें, एंड देन उसके बाद फिजिकल अपेयरेंस, वो दिखते कैसे। सो ये जो 4 बेसिक डोमेन्स होते हैं, इसमें 6 to 7 ईयर्स की एज पे इन एरियाज में आपका सेल्फ एस्टीम डेवलप होना शुरू हो जाता है। एंड हमारा जो कैपेसिटी है कि इतने सारे एरियाज हैं, ठीक है, ये 4 एरियाज हैं, अब इनको हम लोग मिला के एक ओवरऑल सेल्फ एस्टीम जब हम बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओवरऑल सेल्फ और सेल्फ एस्टीम। मतलब ये जो डिस्पोजिशन है ये इंडिविजुअल है, अगर देखा जाए तो ये 4 इंडिविजुअल चीजें हैं, एकेडमिक, फिजिकल अपेयरेंस, फिजिकल एक्सरसाइज, है ना, एंड सोशल सर्कल। ये 4 चीजों को हम लोग साथ में जब कंबाइन करने की जो एबिलिटी है ह्यूमन बींग्स की, दैट इज, मतलब अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हो, बट ये एबिलिटी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ऑब्वियसली नहीं है। तो जस्ट हैविंग दैट एबिलिटी विद आर सेल्फ इज अलाउिंग अस टू हैव एन ओवरऑल सेल्फ सेंस ऑफ हमारा सेल्फ एस्टीम कैसा है। अब जो आपका सेल्फ एस्टीम होता है, इट हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आपकी लाइफ कैसे आगे बढ़ती है। तो जो देखा गया है कि यूजुअली जो लोग होते हैं जिनका हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम होता है, वो परफॉर्म बेटर करते हैं पढ़ाई में, वैसे ही जिनका हाई सोशल सेल्फ एस्टीम होता है, उनका सोशल सर्कल ज्यादा अच्छा होता है, उनके दोस्त ज्यादा होते हैं। तो आपका सेल्फ एस्टीम जैसा होगा, आपका परफॉर्मेंस और बिहेवियर में भी वो दिखने को मिलता है। यहीं पे इसी के साथ जो लोग होते हैं जिनका स्लो सेल्फ एस्टीम होता है, उन चिल्ड्रन में एंजाइटी, डिप्रेशन, एंटी सोशल बिहेवियर ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पीपल विद हाई सेल्फ एस्टीम। इसी के साथ स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि पेरेंटिंग का जो रोल होता है वो सेल्फ एस्टीम के इमर्जेंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो अगर पेरेंट्स होते हैं जो वार्म एंड पॉजिटिव पेरेंटिंग देंगे, उनके जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली ज्यादा सेल्फ एस्टीम होता है। इसी के साथ अगर पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बच्चे को लेके, कि मतलब वो हर चीज कर रहे होते हैं और बच्चे को खुद नहीं करने देते हैं, तो यहाँ पे वो बैकफायर कर सकता है और जो सेल्फ एस्टीम है वो और फर्दर डिक्रीज हो सकता है उस बच्चे का। तो तभी मतलब चिल्ड्रन को यूजुअली खुद के डिसीजन थोड़े बहुत खुद लेना सिखाना शुरू कर देना चाहिए फ्रॉम अ वेरी यंग एज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम डील करने वाले हैं इज सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी, मैं कितनी एफिशिएंट हूं इस फील्ड में, इज बेसिकली व्हाट सेल्फ एफिकेसी इज अबाउट। ठीक है, जो लोग होते हैं आप कभी भी उनसे पूछोगे, अच्छा आपके एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स आए, कैसे आए आपके एग्जाम में, थोड़े लोग बोलेंगे कि बिकॉज आई वर्क हार्ड, बिकॉज आई एम स्मार्ट इनफ, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। बहुत सारे लोग आपको ये भी देखने को मिलेंगे जो बोलेंगे कि अरे यार पेपर बहुत आसान था, ठीक है, या फिर वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में एट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये जो लोग होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर में एट्रीब्यूट करते हैं, इनका सेल्फ एफिकेसी कम है। क्यों? क्योंकि जो लोग अपने आप पे कर रहे हैं कि ठीक है मैंने हार्ड वर्क किया, मैंने बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ तभी मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, ये लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इनके वजह से इनके जो लाइफ के आउटकम्स हैं वो निकल के आ रहे हैं, तो इनका सेल्फ एफिकेसी ज्यादा है। तो जब भी कोई इंसान होता है जो कहता है कि उनके वजह से उनके लाइफ के आउटकम्स डिटरमिन हो रहे हैं, उनका बेसिकली सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी लोग जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि लक हो गया या फिर टास्क डिफिकल्टी हो गया उन पर एट्रीब्यूट करते हैं।
ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है ये हम लोग बैंडोरा के सोशल लर्निंग थ्योरी में देखने को मिला है, जब यू नो चिल्ड्रन आर इमिटेटिंग द अदर पीपल, जो उन लोगों ने आपने वीडियो में देखा होगा लास्ट ईयर। इसी के साथ साथ पीपल का जो एक्सपेक्टेशन होता है ऑफ मास्टरी और अचीवमेंट, ये भी डिटरमाइन करता है उनका बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी इंसान को डिसाइड करना है कि उनको आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर कोई इंसान है जिसको लगता है कि इन साइंस दे डू नॉट हैव द पर्टिकुलर एबिलिटीज, उनको लगता है कि वो मास्टर नहीं कर पाएंगे स्किल्स वहां पे और वो अचीव नहीं कर पाएंगे, तो चांसेस आर कि इन दोनों चीजों का लो होने की वजह से वो साइंस ना लें। ठीक है, सिमिलरली बाकी फील्ड्स के साथ भी ऐसे ही होता है कि अगर उनको लगता है कि ह्यूमैनिटीज की बात आ गई तो उनसे नहीं, मतलब यू नो वो इतना ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं ग्रास्प कर पाएंगे, उसी के साथ साथ वो यू नो पर्टिकुलरली उसमें अचीवमेंट नहीं ला पाएंगे, बिकॉज वो थ्योरेटिकल नहीं ला पाएंगे तो उनके मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे, इन सब चीजों की वजह से शायद से वो ह्यूमैनिटीज ना ले। तो आपका जो बिहेवियर है ये दोनों चीजें भी काफी ज्यादा हद तक डिटरमाइन करती हैं। अब जो लोग होते हैं जिनका सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होता है वो अपने इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और इवन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, वो बस बैठ नहीं जाते कि आपके लाइफ में जो हो रहा है वो डिटरमाइन करता है आपका बिहेवियर, नहीं, वो खुद अपने बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, वो खुद अपने इन्वायरमेंट में बेसिक चेंजेस लाते हैं जिससे वो आगे बढ़ सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके। एंड पीपल विद यू नो अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ और सेल्फ एफिकेसी आर ऑल्सो लेस फियरफुल इन लाइफ। अब सेल्फ एफिकेसी ऐसी चीज है जो आप डेवलप कर सकते हो विद टाइम। ठीक है, ये ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजिकल है नेचर में, नो, आपको अगर टाइम मिलता है यू कैन वर्क अपॉन इट। एंड ये भी देखने को मिला है कि जो लोग होते हैं यू नो जो से बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, एंड इफ दे वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, दोज पीपल जिनका सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होता है दे आर मोर लाइकली टू क्विट स्मोकिंग बिफोर द पीपल जिनका सेल्फ एफिकेसी कम होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आ जाता है इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू आर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आर ओन बिहेवियर। अपना जो बिहेवियर हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, और उसको मॉनिटर करना, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। तो आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बेसिकली जो बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर हाई ऑन सेल्फ मॉनिटरिंग। इसका क्या मतलब हो गया कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो से फॉर एग्जाम्पल एक सोशल सेटिंग में है और वो एंटी सोशल बिहेवियर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनको स्पेसिफिकली बोला गया है कि उनको नहीं करना, तो वो जो लोग हैं उनका सेल्फ रेगुलेशन जो है वो कम है एज कम्पेयर टू पीपल जो फॉलो कर रहे हैं उन नॉर्म्स को, उनका सेल्फ रेगुलेशन जो है वो हायर है। तो यहाँ पे हम ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा कि विल पावर की बात आ जाती है, तो विल पावर डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट करता है, चाहे पढ़ाई को लेके हो, हेल्थ पे फोकस करना हो, विल पावर डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट। नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? डिलेइंग द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। तो बेसिकली अगर आपको कभी भी लगता है कि अच्छा मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आई वॉन्ट टू हैव जंक फूड, ठीक है, तो अगर आप इमिजिएटली उस चीज को खा रहे हो तो आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो काफी मतलब लो है। ठीक है, सिमिलरली अच्छा मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, अभी मेरे को टीवी देखने का मन हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे आपको जो बाहर की चीज है, जो आपका जो नीड है बेसिकली, आप उस नीड को फुलफिल करने के लिए फटाफट जो आप अबैंडन कर देते हो अपने पर्टिकुलर टास्क को, तो आपका सेल्फ कंट्रोल जो है वो लो है। यही अगर मैं बोलूं कि अच्छा अभी मैं नहीं टीवी देखूंगी, पहले मैं अपना ये सिलेबस कंप्लीट करती हूँ फिर उसके बाद में जाके टीवी देखूंगी, तो आप डिले कर रहे हो इसको, है ना। ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड मतलब उस नीड को फुलफिल करना बेसिकली, तो आप इस नीड को फुलफिल करने को डिले कर रहे हो, तब जाके आपका सेल्फ कंट्रोल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रेगुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज यू नो व्हेन पीपल आर फास्टिंग, तो वो आपका एक एग्जाम्पल हो जाता है सेल्फ कंट्रोल का। अब सेल्फ कंट्रोल बढ़ाई कैसे, तीन बेसिक वेज हैं यहाँ पे जो प्रोवाइड किए गए हैं। एक होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ आर ओन बिहेवियर, अपने ओन बिहेवियर को पहले ऑब्जर्व करो विदाउट एनी जजमेंट, यू नो बस एक बार देखो कि आप कैसे बिहेव करते हो, एंड आप नोटिस करोगे कि आप जब अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, आप अपने आपके ऊपर ज्यादा कॉन्शियस होते हो, तो यू आर मोर लाइकली टू बिहेव इन यू नो वेज जो आपके नॉर्म्स पे अबाइड करता है, आप अपने आपको ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो। सेल्फ इंस्ट्रक्शन देना, खुद को इंस्ट्रक्ट करना कि नहीं आज मैं पढ़ाई करूंगी, मतलब मैं पढ़ाई करूंगी, बाद में मैं यू नो टीवी देख सकती हूँ आराम से, या फिर बाद में मैं खेलने जा सकती हूँ। देन आता है सेल्फ रीइन्फोर्समेंट। रीइन्फोर्समेंट वही होता है जब भी कोई पर्टिकुलर बिहेवियर होता है जो हम चाहते हैं बार बार रीअकर करे, तो हम एक रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। सेल्फ रीइन्फोर्समेंट किसी भी फॉर्म का हो सकता है, टीवी देखना हो सकता है, यू नो कुकिंग करना हो सकता है, हॉबी में इंडल्ज करना हो सकता है, चॉकलेट खाना हो सकता है, तो ऐसी एनी चीज जो आपको एक प्लेजेंट आउटकम दे एंड जिसके वजह से आप मोर लाइकली टू बिहेव उस वे में कर सकते हैं, वो आपका सेल्फ रीइन्फोर्समेंट में आ जाता है। अब बात होती है कल्चर और सेल्फ की।
अब जो सेल्फ होता है वो आपके कल्चर से भी बहुत ज्यादा मतलब डिटरमाइंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सेल्फ इमर्जेस आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस जो आपके होते हैं पूरे डे टू डे लाइफ में, और कल्चर में, हर कल्चर में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन यहाँ पे इंडियन एंड वेस्टर्न व्यू की अगर हम लोग बात करें, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली बाकी कल्चर्स भी होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग इंडियन और वेस्टर्न साइकोलॉजी जो है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ वो कैसे डिफर करती है वो हम लोग देखने वाले हैं। इंडियन और वेस्टर्न व्यू में सबसे पहला डिफरेंस जो है यहाँ पे इज द वे द बाउंड्री इज ड्रॉन। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट डिफरेंस कि बाउंड्री कैसे ड्रॉ करी जा रही है बिटवीन जो सेल्फ है एंड जो इन्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने डायग्राम बनाया है जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच का जो डायनामिक है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे एकदम ही ज्यादा क्लियर बाउंड्रीज बना रखी है कि इंडिविजुअल अलग है, ग्रुप अलग है। ठीक है, वो आसपास आ सकते हैं एज एंड व्हेन टाइम डिटरमाइंस, बट यहाँ पे डाइकोटोमी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। डाइकोटोमी मतलब कि दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ज्यादा देखने को मिलता है। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो ग्रुप होता है उसी का पार्ट इंडिविजुअल है, और ये जो है आप देख सकते हो ये एरोज ये दिखा रहे हैं कि ये ओवरऑल चेंज होता जाता है एज एंड व्हेन सिचुएशन होता है, एज एंड व्हेन नीड अकर्स। वो इंडिविजुअल कभी कभी ज्यादा इंपॉर्टेंस में आ जाता है, कभी कभी कम इंपॉर्टेंस में आ जाता है। तो इनके बीच में जो बाउंड्रीज है इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में, वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज नहीं है, वो फ्लूइड बाउंड्रीज है। जब भी मतलब आपको बाउंड्री मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई नीड आ जाता है जहाँ पे हम लोगों को सोशल होना ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो ग्रुप का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सनल हम लोगों पे ज्यादा फोकस होना होता है, तो इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। वेस्टर्न व्यूज जो होते हैं वहां पे क्लियर डाइकोटोमीज है, ऐसा कुछ नहीं है, वो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है, वो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज ही रहती है। इंडिविजुअल जो होता है यहाँ पे इंडियन व्यू में, यहाँ पे ज्यादा फोकस होता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस में, हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस पे ज्यादा फोकस होता है। अब बिकॉज वेस्टर्न कल्चर में आप देख सकते हैं कि हमने इतने ज्यादा ब्रॉडली कैटेगराइज कर दिया है, तो इनको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअल अलग ग्रुप अलग। इसी वजह से वेस्टर्न कल्चर जो होता है दैट इज मोर इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, एंड जो एशियन कल्चर होता है दैट इज मोर कलेक्टिविस्टिक इन नेचर। हम लोग यहाँ पे ज्यादा ग्रुप पे फोकस होता है, तो एशियन कल्चर इंडियन कल्चर मोर कलेक्टिविस्टिक, वेस्टर्न कल्चर इज मोर इंडिविजुअलिस्टिक। तो यहाँ पे तीन चार पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं, वो आप अपने पेपर में लिख देना। सबसे पहले तो कि जो बाउंड्री होती है वो कैसे ड्रॉ करी जाती है, रिलेटिवली फिक्स होती है वेस्टर्न में, इंडिया में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती है। वेस्टर्न उसमें क्लियर डाइकोटोमीज होती है, इंडिया में वो फ्यूज और वो होता जाता है। जब भी जरूरत होती है तो ज्यादा ग्रुप का इंपॉर्टेंस हो जाता है, अदरवाइज इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंस हो जाता है। इसके साथ आपका नेक्स्ट पॉइंट यही है कि मतलब हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, वहां पे इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस किया जाता है, एंड तभी वो इंडिविजुअलिस्टिक बुलाए जाते हैं एंड तभी हम लोग कलेक्टिविस्ट बुलाए जाते हैं। तो बेसिकली दिस वॉज ऑल इट फॉर योर सेल्फ वाला पोर्शन। अब हम लोग शुरू करते हैं पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी ये जो शब्द है ये आपका बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जो है परसोना। तो बेसिकली परसोना इस तो वो होता था एक मास्क जो रोमन एम्पायर में, जो बहुत पहले जो रोमन थिएटर में लोग पहनते थे एंड देन वो एक्ट करते थे। तो जो थिएटर के एक्टर्स जो होते थे जो मास्क पहनते थे दैट इज वॉट परसोना यूज टू बी। तो वहां से ये वर्ड आया है क्योंकि एक बार उन्होंने वो मास्क लगा दिया, अब वो किसी और वे में एक्ट करेंगे। वो जो मास्क है वो जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है वो उस वे में एक्ट करेंगे, तभी वहां से जो शब्द है या पर्सनैलिटी वो इमर्ज करता है। डे टू डे लाइफ में हम लोग जब पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ साइकोलॉजिकल चीजों को नहीं लेते हैं, हम लोग उनकी फिजिकल अपेयरेंस की भी बात करते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार जो लोग होते हैं जो टॉल होते हैं और बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं, तो हम लोग कभी कभी उनके ये सब को एट्रीब्यूट कर देते हैं उनकी पर्सनैलिटी से भी। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई इंसान है वो बहुत ज्यादा टॉल है एंड ही इज वेरी हैंडसम, तो हम कहते हैं वाह उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, जबकि पर्सनैलिटी इज मोस्टली अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड डज नॉट हैव ऑल मतलब सिर्फ फिजिकल जो होता है, ऑब्वियसली फिजिकल कहीं ना कहीं आ जाता है बट फिजिकल क्वालिटीज उतना नहीं होती जितना साइकोलॉजिकल क्वालिटीज पे फोकस होता है। अब पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू आर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस। इसका क्या मतलब हो गया कि ऐसे हम जो लोग होते हैं वो यूजुअली क्या होता है वो इंडिविजुअल और सिचुएशन में एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक भी डिफरेंस आ जाता है। अगर कोई इंसान है जो शॉर्ट फ्यूज है मतलब उसको बहुत ज्यादा फटाफट गुस्सा आता है, तो वो इंसान यूजुअली हमेशा ही गुस्से में बिहेव करेगा। ऑब्वियसली सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, कभी कभी उनका गुस्सा कम होगा बट फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ इट वो हमेशा ही उस वे में एक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अचानक से कभी कुछ हो गया अंदर, अरे नहीं कुछ नहीं होता चल है सब कुछ, अंदर हैप्पी गोलकी वाला एटीट्यूड आ जाएगा। नहीं,
वो हमेशा उनका जो बिहेवियर है वो इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस के टुवर्ड्स एक कैरेक्टरिस्टिक वे में ही होगा, एक पर्टिकुलर वे में ही आपको देखने को मिलेगा. तो इन दिस सेंस पर्सनालिटी रेफर्स टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज दैट कैरेक्टराइजेस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो मैंने बोला बेसिकली यहाँ पे उन्होंने लिख दिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से इंग्लिश में. उसके बाद यहाँ पे पर्सनालिटी जो है वो कैरेक्टराइज करती है इंडिविजुअल्स को एज दे अपेयर इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस. जैसे वो बिहेव करते हैं मोस्टली वैसे ही उनका पर्सनालिटी इमर्ज करके आ जाता है. और कंसिस्टेंसी जो होता है बिहेवियर थॉट एंड इमोशन ऑफ एन इंडिविजुअल अक्रॉस सिचुएशंस एंड अक्रॉस टाइम पीरियड कैरेक्टराइजेस हिज और हर पर्सनैलिटी. कंसिस्टेंसी जो होती है वो काफी ज्यादा हम जरूरी होती है. हम लोग हमने अगर बस एक बार किसी इंसान को ऐसे परफॉर्म करते हुए देखा कि एक बार हमने देख लिया कि वो अग्रेसिव है, तो जरूरी नहीं है कि वो उनका पर्सनैलिटी ही अग्रेसिव हो. हमको उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन वी कैन यू नो कम टू कंक्लूजन रिगार्डिंग देयर पर्सनैलिटी. तो पर्सनैलिटी जो होती है उसके बेसिक फीचर्स होते हैं, एक तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट्स होते हैं. ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल कंपोनेंट हो या फिर सिर्फ साइकोलॉजिकल हो. सेकेंड, उसका जो एक्सप्रेशन होता है बिहेवियर में इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल. ठीक है, मतलब सबको एक ही तरीके से गुस्सा नहीं आता, शायद से सबको गुस्सा सेम लेवल का आता हो, बट उनका जो बिहेवियर है जिस तरीके से वो उस गुस्से को दिखाते हैं वो जरूरी नहीं होते. थोड़े लोग होते हैं जो एकदम शांत हो जाते हैं और एकदम कोने में जाके अपने आप को बैठा बैठ जाते हैं. थोड़े लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और बहुत ज्यादा लाउड होना शुरू हो जाते हैं. तो ये जो एक्सप्रेशन है जिससे वो बिहेवियर में आ रहा है वो फेयरली यूनिक होता है सब लोगों में. इसके जो मेन फीचर्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं फटाफट ऐसे टाइम में. और उसी के साथ साथ ये डायनामिक भी होता है नेचर में. इन दैट सेंस सम ऑफ इट फीचर्स मे चेंज. अब देखो ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंसेस आपको लग रहा होगा, पर आपको यहाँ पे बस ये फोकस करना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ इट वो नहीं चेंज होगा, बट अगर कभी सिचुएशन में डिमांड करती है कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना है तो वो चेंज हो सकता है कि आपका बिहेवियर कैसे आता है उस सिनेरियो में. तो रिलेटिवली स्टेबल, तभी हम ये वर्ड यूज करते हैं. एब्सोल्युटली स्टेबल नहीं है, रिलेटिवली स्टेबल है पर्सनैलिटी एज अ कॉन्सेप्ट. एंड इसी के साथ अगर हम किसी इंसान की पर्सनैलिटी को जानते हैं हम देख सकते हैं, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो बिहेव कैसे करेंगे. वही एग्जाम्पल हो गया, इफ समबडी इज यू नो सेट टू हैव अ वेरी अग्रेसिव पर्सनैलिटी वी कैन प्रिडिक्ट कि वो अग्रेशन में ही बिहेव करेंगे इस सिचुएशन में जहाँ पे वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. अगर यही कोई इंसान होता जो बहुत काइंड हार्टेड होता मे बी उस फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में वो उतने अग्रेसिवली बिहेव नहीं करेंगे. तो हम लोग प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं किसी भी इंसान के बिहेवियर को बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी. अब यहाँ पे पर्सनैलिटी से रिलेटेड थोड़े से टर्म्स दिए गए हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं. टेम्परमेंट क्या होता है? दैट इज योर बायोलॉजिकल बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग. ये बायोलॉजिकली बेस्ड होता है, ठीक है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं होता है. टेम्परमेंट जो होता है वो ऐसा बिलीव करते हैं कि हर बच्चा एक पर्टिकुलर टेम्परमेंट के साथ बॉर्न होता है. ठीक है, आप देखेंगे थोड़े लोग होते हैं वो यूजुअली बस इन जनरल वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है कि मतलब उनका एनवायरमेंट से वो आया हो या फिर उनकी पेरेंटिंग स्टाइल से आया हो, नहीं, वो बायोलॉजिकल टेंडेंसीज होती है हमारी कि अच्छा हमारा थ्रेशोल्ड क्या है गुस्सा होने का, हमारा थ्रेशोल्ड क्या है काइंड हार्टेड होने का. तो ये जो चीजें होती है जो बायोलॉजिकली आती है वो आपका टेम्परमेंट डिफाइन करती है. ट्रेट क्या होते हैं? ट्रेट होते हैं स्टेबल परसिस्टेंट एंड स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग. ऐसे स्पेसिफिक एंड परसिस्टेंट वेज जिससे हम बिहेव करते हैं वो आपके ट्रेट्स बनाते हैं. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे पर्सनालिटी के. ट्रेट को हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे आगे जब हम लोग ट्रेट अप्रोच डिस्कस कर रहे होंगे. डिस्पोजिशन जो होता है इज अ टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट इन अ गिवन वे इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. तो बेसिकली डिस्पोजिशन मतलब कि दिस पर्सन इज मोर डिस्पोज्ड टू एक्ट अग्रेसिवली. मतलब कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन है उसमें क्या चांसेस है उस पर्सन के एक्ट करने का अग्रेशन में या काइंडली या फिर कैसे भी, वो आपका डिस्पोजिशन डिफाइन करती है. कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन होता है ओवरऑल वो जैसे बिहेव करते हैं वो उनका कैरेक्टर डिफाइन करता है. ठीक है, हैबिट होता है ओवरलर्न्ड मोड्स ऑफ बिहेविंग. बिहेवियर जो हम लोग ओवरलर्न कर लेते हैं और वो हमारे बिहेवियर में आता जाता है वो हैबिट हो जाता है. ठीक है, और वैल्यूज क्या होते हैं? गोल्स एंड आइडियल्स होते हैं जो हम लोग इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं. ठीक है, कि आई वैल्यू कि हम लोग यू नो एक दूसरे के साथ रहे, सोशल हार्मनी में वैल्यू करते हैं. तो दीज आर आइडियल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए एंड हम कहते हैं कि हाँ ये वर्थ वाइल टू अचीव है. मतलब कि वी शुड वर्क ऑन अचीविंग दैम. सो ये जो टर्म्स हैं आप इनको याद कर सकते हैं, ये सीयूटी में आ सकता है आपके लिए. अब जो पर्सनालिटी की बात होती है इसको स्टडी करने के बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं. सबसे पहला अप्रोच जो हमारे पास यहाँ पे है इज द टाइप अप्रोच. टाइप अप्रोच बेसिकली क्या करता है? इट अटेम्प्ट्स टू कॉम्प्रीहेंड ह्यूमन पर्सनालिटी बाय एग्जामिनिंग सर्टेन ब्रॉड पैटर्न्स इन द ऑब्जर्व बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल्स. अब मैं आसान शब्दों में बताऊं तो टाइप अप्रोच जो होता है वो बहुत ब्रॉड होता है. ठीक है, वो लोगों को टाइप्स में डिफाइन कर देता है कि अच्छा आप इस टाइप के इंसान हो, आप उस टाइप के इंसान हो. बहुत ब्रॉड कैटेगराइजेशन होती है ये. ठीक है,
ट्रेट अप्रोच ऑन दी अदर हैंड स्पेसिफिक होता है. तो अगर टाइप अप्रोच एक एकदम बहुत बड़े कैटेगरी में फोकस कर रहा है, ट्रेट अप्रोच उसमें छोटे छोटे कैटेगरीज पे फोकस करेगा. दैट इज द बेसिक मीनिंग. ठीक है, ट्रेट इज स्पेसिफिक, टाइप इज ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्सनैलिटी. इसके साथ साथ इंट्रैक्शनल अप्रोच जो होता है, इंट्रैक्शनल अप्रोच बेसिकली कहता है कि जो आपका सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो सिचुएशन होता है वो डिटरमाइन करता है आपका बिहेवियर. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग योर बिहेवियर. अब टाइप अप्रोच की हम लोग बात करना शुरू करते हैं. अब टाइप अप्रोच में बहुत सारे वेरियस साइकोलॉजिस्ट, नॉट ओनली साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे फिलोसफर्स थे. ठीक है, काफी टाइम से हम लोग अपने पर्सनालिटी को के बारे में डिस्कस करते आए हैं, और बहुत ही ज्यादा टाइम से ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, जिन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट आर पर्सनैलिटी इज. वन ऑफ दीज मेजर फिजिशियंस जो थे यहाँ पे वॉज हिपोक्रेटिस. हिपोक्रेटिस ने कहा कि इंसान जो होते हैं उनका जो पर्सनैलिटी होता है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार फ्लूइड या फिर चार ह्यूमर. अब ये जो चार फ्लूइड थे इसके बेसिस में उन्होंने मतलब डिफाइन किया एज सैंग्विन, फ्लैगमैटिक, मेलैंकोलिक, कॉलेरिक. अब यहाँ पे आपको ये क्या है वर्ड, इसका मतलब क्या है, वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप उसका चिंता मत कीजिएगा. बस इस यहाँ पे इतना याद रख लीजिएगा कि हिपोक्रेटिस ने चार वो बनाए थे कि पर्सनालिटी चार टाइप की हो सकती है, कि फ्लूइड पे डिफाइन होती है. फ्लूइड से यहाँ पे क्या मतलब हो जाता है कि जैसे कि ब्लड हो गया, ठीक है, ब्लड हो गया आपका, बाइल जूस जो होता है, एंड देन फ्लेम होता है, तो ये सब चीजें होती है वो फ्लूइड होती है. तो ये किस क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है वो डिफाइन करता है कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसे आएगी. तो जैसे कि अगर किसी का ब्लड मतलब ज्यादा है क्वांटिटी में एज कम्पेयर टू बाकी सारे, तो वो सैंग्विन पर्सनैलिटी में आ जाएंगे, वो अच्छे वाले उसमें आ जाएंगे. ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में जितना लिखा है वो याद करेंगे कि हिपोक्रेटिस ने चार बेसिकली टाइप्स बताए थे, एंड ये है सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलांकोलिक और कॉलेरिक. खत्म. इंडिया में अगर हम लोग देखें, इंडिया में भी बहुत ज्यादा फिलोसफी एंड फिजिशियंस ने डेवलप किया है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनालिटी. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है चरक संहिता, जो बेसिकली आयुर्वेदा के ऊपर है, एंड यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया है कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदोष या फिर त्रिदोषा. ठीक है, एंड त्रिदोषा में उन्होंने फर्दर डिफाइन किया है वता, पिता एंड काफा. तो ये तीन ऐसे ह्यूमरल एलिमेंट्स होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एंड ईच रिफर्स टू अ टाइप ऑफ टेम्परमेंट जो हमारा बेसिकली प्राकृति होता है, बेसिक नेचर ऑफ अ पर्सन. ठीक है, तो जो आपका त्रिदोषा होता है, अगेन वता, पिता, काफा, ये क्या होता है एग्जैक्टली आप इसको गूगल कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम में नहीं आएगा. बस इतना तीन आपको याद रखना है कि ये तीन ह्यूमरल एलिमेंट्स है. त्रिगुणा जो होते हैं ये अगेन दूसरी टाइपोलॉजी होती है, कंफ्यूज मत होना, त्रिदोषा वो होते हैं, त्रिगुणा आपके होता है सत्व, रजस और तमस. ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे एनसीईआरटी में भी मेंशन है. सत्व जो होता है इट फोकसेस ऑन क्लेनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ड्यूटी पे काम करना, अपना धर्म पे काम करना, डिटैचमेंट रखना, डिसिप्लिन पे फोकस रखना, दैट इज योर सत्व. राजस जो होता है दैट इज बेसिकली इंटेंस एक्टिविटी, डिजायर फॉर ग्रेटिफिकेशन, एकदम अपना बहुत ज्यादा जो लोग एनवियस होते हैं, मटीरियलिस्टिक माइंडसेट से होते हैं, वो राजस में ज्यादा होते हैं. तामस जो होता है दैट इज डिप्रेशन, लेजीनेस, एंगर, हेल्पलेसनेस, दैट इज तमस. तो सात्विक आपने सुना होगा, सात्विक खाना खाना चाहिए, तो वहां सत्वा से आते हैं. ठीक है, तो सत्व, रजस, तमस, ये बेसिकली तीन गुण होते हैं, ये सब इंसान में प्रेजेंट होते हैं, बट जो गुण ज्यादा डोमिनेंट होता है वो आपका बिहेवियर और पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, बट प्रेजेंट तीनों होता है. एंड हम लोग अपने बेस्ट पार्ट ये है कि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, राइट, ये फिक्स नहीं होते हैं, ये बायोलॉजिकली टेम्परमेंटल बेसिस पे नहीं होते हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे बिहेवियर से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. देन उसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड में शेल्डन करके एक इंसान थे, जिन्होंने कहा कि किसी भी इंसान की जो पर्सनालिटी हो सकती है वो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर जो है उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं. और उन्होंने बनाया एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक टाइपोलॉजी. एंडोमॉर्फिक लोग जो होते हैं वो बेसिकली सॉफ्ट एंड राउंड होते हैं, एंड दे आर बेसिकली मोर सोशेबल, दे आर रिलैक्स्ड. आपने देखा होगा कि मतलब यूजुअली ऐसे स्टेरियोटिपिकल वेज में भी जो ऐसे लोग जो होते हैं जो फैट, सॉफ्ट, राउंड होते हैं, तो उनको ऐसे दिखाया जाता है कि वो ज्यादा सोशेबल होते हैं, ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं. उसके बाद मेसोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक मतलब कि जो उनका बहुत ऐसे एकदम मस्कुलर वो होता है, एंड दे आर वेरी उनका मतलब बॉडी बिल्ड काफी ज्यादा जिसका अच्छा होता है, वो बेसिकली एनर्जेटिक एंड करेजियस यहाँ पे उन्होंने कहा है ज्यादा होते हैं. एंड देन उसके बाद होते हैं आपके एक्टोमॉर्फ्स. एक्टोमॉर्फ्स जो होते हैं वो लॉन्ग एंड फ्रेजाइल होते हैं, एंड दे आर मोर लाइकली टू बी ब्रेनी, आर्टिस्टिक एंड इंट्रोवर्टेड. अब ये कितना सच है कितना गलत है वो हमें नहीं पता, उतना ज्यादा इस पे मतलब यूजुअली लोगों ने कहा है कि आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उस पर ज्यादा फोकस नहीं होता है, वो काफी ज्यादा स्टीरियोटिपिकल
हो जाता है कि आप किसी भी इंसान के बॉडी पे फोकस कर लो सिर्फ। तो ये स्टीरियोटाइप जो है हमको उस पे ऑपरेट नहीं करना है, हमको एक्चुअल साइंटिफिक जो आपके रिसर्चर्स होती है उस पे ज्यादा फोकस करना होता है। बट ऑब्वियसली एग्जाम में आएगा तो हमको याद करना पड़ेगा। तो ये शेल्डन की 3 थ्योरीज है। कार्ल यूंग के बारे में आपने सुना होगा। कार्ल यूंग जो थे वो उन्होंने डिफाइन किया अपार्ट फ्रॉम हिज एनालिटिकल साइकोलॉजी, यहाँ पे उन्होंने इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा रील्स पे भी मीम्स पे भी, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल यूंग ने दिया था। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो उनको प्रेफर होता है वो अलोन रहे, दे टेंड टू अवॉइड अदर पीपल, विदड्रॉ देमसेल्व्स, एंड इन द फेस ऑफ इमोशनल कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो अपने आप को विदड्रॉ कर देते हैं एंड वो यूजली ज्यादा शाय होते हैं। एज कम्पेयर टू देम एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो आउट गोइंग होते हैं, वो दे आर ड्रॉन टू ऑक्यूपेशन दैट अलाउ देम डीलिंग विद पीपल। इसका मतलब है कि जो जॉब्स होती है जहाँ पे उनको बहुत सारे लोगों के साथ काम करना होता है यूजली एक्सट्रोवर्ट्स वहाँ पे ज्यादा थ्राइव करते हैं। एंड दे रिएक्ट टू स्ट्रेस बाय लूजिंग देमसेल्व्स अमंग पीपल एंड सोशल एक्टिविटी। तो यूजली जब उनको स्ट्रेस होता है तो वो चाहते हैं कि वो लोगों से साथ सराउंडेड रहें और वहां से उनका स्ट्रेस जो होता है वो डी स्ट्रेस हो जाता है। तो बेसिकली इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आपको पता है क्या डेफिनेशन होती है। यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट नहीं है बाय द वे, ये वर्ड उन्होंने एक्स्ट्रावर्ट लिखा है, तो ये भी देख लेना। रिसेंट ईयर में टाइप ए और टाइप बी, ये भी आपने काफी सुना होगा। ये वाली जो थ्योरी है वो फ्राइडमैन एंड रोजनमैन ने दी है। टाइप ए पर्सनालिटी जो होते हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा हाई ऑन एनर्जी होते हैं, हाई ऑन मोटिवेशन होते हैं, पेशेंस उनमें कम होता है, हमेशा उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा हरी में है, बहुत ज्यादा काम है उनके ऊपर। और ये जो लोग होते हैं वो बहुत मतलब स्ट्रगल करते हैं टू स्लो डाउन एंड रिलैक्स। अब टाइप ए वाले जो लोग होते हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस सच एज यू नो कोरोनरी हार्ट डिजीज, दे आर मोर ससेप्टेबल टू हैविंग हाइपर टेंशन, ठीक है। तो ये सारी जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये सब चीजें जो होती हैं वो टाइप ए में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज वो इतना इंटेंसली एक्टिविटी में फोकस रहते हैं, इतना इंटेंसली उनको लगता है कि उनको सब कुछ अचीव करना है, तो ये सब चीजें उनमें ज्यादा होती है। टाइप बी पर्सनैलिटी इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ टाइप ए पर्सनैलिटी। तो टाइप बी पर्सनैलिटी को जब डिफाइन करना होता है तो एबसेंस ऑफ टाइप ए पर्सनैलिटी ट्रेट्स इज वॉट टाइप बी इज, ठीक है। इसके बाद मॉरिस ने फर्दर सजेस्ट किया एक होता है टाइप सी पर्सनालिटी। टाइप सी पर्सनालिटी क्या होता है? टाइप सी पर्सनालिटी इज बेसिकली वो लोग जो ज्यादा प्रोन होते हैं टू कैंसर। अब ये लोग जो होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, अनअसर्टिव होते हैं और पेशेंट होते हैं। अनअसर्टिव मतलब वो अपनी बातों को आगे नहीं रख पाते हैं उतना ज्यादा, और जो इनके नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो उनको दबा देते हैं और अथॉरिटी फिगर्स पे कंप्लायंस ज्यादा दिखाते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। तो मॉरिस ने कहा है कि दे आर मोर प्रोन टू कैंसर। एंड टाइप डी पर्सनैलिटी इज बेसिकली वो वाली पर्सनैलिटी विच इज मोर प्रोन टू डिप्रेशन। तो यहाँ पे 4 टाइप्स आ जाते हैं। पहले 2 टाइप्स जो हैं वो फ्राइडमैन एंड रोजनमैन ने दिए हैं, बाकी जो आगे है वो मॉरिस के टाइप्स हैं। ट्रीट अप्रोच की बात करते हैं, यहाँ तक टाइप अप्रोच था जब बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कैटेगराइजेशन था। अब हम बात करेंगे ट्रेट अप्रोच, जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक ट्रेट्स पे फोकस करेंगे, स्पेसिफिक फीचर्स पे फोकस करेंगे। अब जो ट्रेट्स होते हैं ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं हमारी पर्सनालिटी का, ठीक है। ट्रेट अप्रोच जो होता है इज वेरी सिमिलर टू आर कॉमन एक्सपीरियंसेस इन आर एवरीडे लाइफ। और ट्रेट अप्रोच जो होता है वो अटेम्प्ट करता है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं एक इंसान के उसको मतलब समझने का, एंड उसको समझ के उसकी पर्सनालिटी को बेसिकली समझने का। ट्रेट जो होता है वो रिलेटिवली इंड्योरिंग, मतलब कि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल रहता है, एट्रीब्यूट होता है, और क्वालिटी ऑन विच इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो ये रिलेटिवली स्टेबल होता है, कंसिस्टेंट होता है अक्रॉस सिचुएशंस, ऑब्वियसली सिचुएशनल फैक्टर्स में डिफरेंशिएट हो जाता है। स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन जो होते हैं ट्रेट्स के वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। सबसे पहला जो थ्योरी है दैट इज ऑलपॉट का ट्रेट अप्रोच, एंड ये सबसे पहले हम इसलिए भी पढ़ रहे बिकॉज ऑलपॉट जो थे ही वॉज द फर्स्ट पर्सन यू नो जिन्होंने ट्रेट अप्रोच में काम करना शुरू किया था। तो ही इज कंसिडर्ड द पायनियर। पायनियर का मतलब है कि द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने काम करना शुरू किया था। इन्होंने कहा कि जो ट्रेट्स होते हैं ये काफी डायनामिक नेचर में होते हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंट नंबर्स में होते हैं। जो ट्रेट होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेस को विच अदरवाइज लुक डिसिमिलर। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का काफी यूज किया कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे अपने आप को डिफाइन करते हैं, बाकी लोगों को डिफाइन करते हैं, वो हमारे को ट्रेट की अंडरस्टैंडिंग में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। और इन्होंने 3 बेसिक डिविजन्स कर दिए ट्रेट के, एक होते कार्डिनल फैक्टर्स, एक होता है सेंट्रल फैक्टर, और फाइनली होता है आपका सेकेंडरी फैक्टर्स। कार्डिनल ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जनरलाइज होते हैं। सबसे ऊपर वाले लेवल में बेसिकली जो ट्रेट्स होते हैं काफी जनरलाइज ट्रेट जो आपके लाइफ के पर्पसेस को डिफाइन करता है, दैट इज योर कार्डिनल ट्रेट। जैसे कि गांधियनिज्म, यू नो कि गांधी जी के नॉन वायलेंस हो गया तो वो गांधियन आइडियोलॉजीज हो गई है, या फिर हिटलर का नाज़िज्म हो गया तो हिटलर की नाज़ी आइडियोलॉजी, तो वो उनकी
पूरे लाइफ के जो बेसिकली गोल्स होते हैं, उनका बिहेवियर कैसे होता है, उसको जो डिफाइन करता है वो आपका कार्डिनल ट्रेट हो जाता है, काफी जनरलाइज होता है। उसके बाद आपका आता है सेंट्रल ट्रेट, ये थोड़ा कम जनरलाइज होता है, जैसे कि वो इंसान बहुत वार्म है, काफी सिंसियर इंसान है, तो ये ऐसी चीज है जो आप अपने जॉब रिकमेंडेशन में लिखोगे, ठीक है, वो आपकी चीजें होती है जो सेंट्रल होती है। तो वो बेसिकली कार्डिनल ट्रेट बहुत ज्यादा जनरलाइज, थोड़ा सा कम जनरलाइज बेसिकली कि वो बहुत वार्म इंसान है, काइंड इंसान है, अग्रेसिव इंसान है, वो हो जाता है। एंड फाइनली सेकेंडरी, जो एकदम मतलब यूनिक होता है उस इंसान में, जैसे कि उनका प्रेफरेंसेस, कि इसको मतलब राजमा चावल ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू दाल मखनी, समथिंग लाइक दैट। उनके इंटरेस्ट वगैरह जो होते हैं, जो उस इंसान में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, वो आपका सेकेंडरी ट्रेट हो जाता है। अब ऑलपोर्ट ने एक्नॉलेज किया था द इन्फ्लुएंस ऑफ सिचुएशन ऑन बिहेवियर, ही हेल्ड दैट अ पर्सन रिएक्ट्स टू अ गिवन सिचुएशन डिपेंड्स ऑन हिज और हर ट्रेट, ऑल्दो पीपल शेयर द सेम ट्रेट माइंड एक्सप्रेस देम डिफरेंटली। तो उन्हें कहा कि हाँ, जबकि सिचुएशन का इंपॉर्टेंट जरूर होता है, पर ज्यादा फोकस ऑलपोर्ट ने ट्रेट्स के ऊपर डाला था। नेक्स्ट जो आपके आते हैं वो किटेल है। किटेल ने पर्सनालिटी फैक्टर्स पे डिफाइन किया। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी किया, बहुत एक्सटेंसिव सर्वेज किए, लोगों से बहुत ज्यादा पूछा, बातचीत की, एंड देन फाइनली उन्होंने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स बनाए, ठीक है। अब उन एडजेक्टिव्स पे उन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया, विच इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल मेथड, जहां पे आप बहुत सारी चीजों को कट आउट करते हो और उसमें से थोड़ी चीजों पर फोकस करना शुरू करते हो, तो कैटेगराइज वगैरह करके। अब उन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया तो बहुत सारे जो ट्रेड्स उनके पास पड़े हुए थे, उसमें से उन्होंने फाइनली ऐसे 16 ट्रेड्स जो होते हैं उन पे फोकस करा, ठीक है। तो उन्हें 16 कहा कि अच्छा, ये जो 16 ट्रेड्स होते हैं, ये आपके प्राइमरी या फिर सोर्स ट्रेड्स होते हैं। सोर्स ट्रेड्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके पर्सनालिटी का। इसके साथ साथ ये जो सोर्स ट्रेड्स होते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो आपका सरफेस ट्रेड बनाता है। तो सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड, ये आपके दो शब्द हो जाते हैं। सोर्स ट्रेड आपके बिल्डिंग ब्लॉक हो जाती है पर्सनैलिटी का। एंड ये फैक्टर एनालिसिस के थ्रू उन्होंने बहुत सारे एडजेक्टिव्स में से स्टैटिस्टिकल मेथड से थोड़े एडजेक्टिव्स पे उन्होंने लिमिट कर दिया अपने आप को। एंड ये एक पर्टिकुलर उन्होंने टेस्ट बनाया, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चन है, जो आज भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट ज्यूरिस्ट जो थे वो आइसेंग थे, एजे आइसेंग। इन्होंने सबसे स्टार्ट में दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन बनाई, एक होता है न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। जो लोग न्यूरोटिसिज्म में हाई होते हैं, वो मतलब बहुत ही ज्यादा क्विक होते हैं, उनका इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते अपने फीलिंग्स को, एज कम्पेयर टू समबडी जो इमोशनल स्टेबल होते हैं, वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन उन्होंने जो बनाया वो है एक्सट्रावर्जन इंट्रोवर्जन, सेम जैसे कार्ल यूंग ने डिफाइन किया था कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने में रहना, वो पैसिव होते हैं, क्वाइट होते हैं, कॉशियस होते हैं, एंड जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो आउटगोइंग होते हैं, थ्रिल सीकिंग होते हैं बेसिकली। उसके बाद उन्होंने एक और फैक्टर यहाँ पे ऐड किया, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी, ठीक है। पहले इन्होंने सिर्फ ये दो फैक्टर्स पे काम किया था, थर्ड फैक्टर जो उन्होंने ऐड किया दैट इज साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी। साइकोटिसिज्म और सोशियबिलिटी, यहाँ पे सोशियबिलिटी नाम से ही समझ सकते हैं, जो इंसान सोशल है तो साइकोटिज्म उसका ऑपोजिट हो जाता है। साइकोटिसिज्म में जो इंसान ज्यादा होता है वो हॉस्टाइल होते हैं, वो अग्रेसिव होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं, ईगो पे फोकस ज्यादा होता है अपना, एंड एंटी सोशल होते हैं नेचर में, ठीक है। तो ये भी, इसका भी आपको एक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर मिल जाएगा, ईपीक्यू या फिर आइसिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चन है, जो काफी अगेन ब्रॉडली यूज किया जाता है। इससे पहले यहाँ पे इन्होंने बिग फाइव पर्सनालिटी के बारे में लिख रखा है, फाइव फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, जो पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैकरे ने दिया था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बेसिकली ये भी ट्रेट अप्रोचेस ही थे, जहां पे केटेल ने 16 फैक्टर्स बनाए थे, इन्होंने सिर्फ फाइव फैक्टर्स पे ऑपरेट किया। तो इन्होंने कहा कि ऐसे फाइव फैक्टर्स होते हैं बेसिकली हमारे, जो डिफाइन करता है किसी भी इंसान के एग्जिस्टेंस को। ये जो फाइव फैक्टर्स हैं, ये कौन कौन से हैं, एक होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एक होता है एक्स्ट्रावर्जन, एक होता है अग्रीएबलनेस, एक होता है न्यूरोटिसिज्म, एंड देन देयर इज फाइनली कॉन्शियसनेस। अब ये क्या होता है, सबसे पहले ओपननेस टू एक्सपीरियंस से क्या मतलब हो जाता है, कि कितना ओपन है इंसान एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए, ठीक है, कि वो कितना इमेजिनेटिव है, क्यूरियस है, कितना ज्यादा चाहते हैं कि वो न्यू आइडियाज को जाने, न्यू चीजों से मिले, न्यू लोगों से मिले, तो वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में आ जाते हैं। एक्स्ट्रावर्जन अगेन आपको पता है, मैंने पहले भी डिफाइन कर लिया। अग्रीएबलनेस, कितने अग्रीएबल हैं वो, अगर आप उनको काम दो, उनसे हेल्प मांगो, उनसे किसी भी सपोर्ट को सीख करो, कितना चांस है उनका हाँ आपको बोलने का, वो आपका अग्रीएबलनेस में आ जाता है। न्यूरोटिसिज्म आई डिफाइंड अभी। कॉन्शियसनेस जो होता है कि मतलब वो अपने काम को लेके कितना फोकस्ड है, कि उनको काम करना है, उनको कितना डिसिप्लिन है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह जो चीजें आ जाती हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड कितने हैं, हार्ड वर्किंग कितने हैं, वो कॉन्शियसनेस में आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद करने का एक मॉडल होता है, दैट इज ओशन, ठीक है। तो आप देखेंगे तो बेसिकली मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, आप इनको याद कर सकते हैं बाय ओशन।
तो ओ स्टैंड फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी स्टैंड फॉर कॉन्शियसनेस, ई स्टैंड फॉर एक्सट्रावर्जन, ए स्टैंड फॉर अग्रेबलनेस एंड एन स्टैंड फॉर न्यूरोटिसिज्म। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ये फाइव फैक्टर्स कौन कौन से हैं, पॉल कास्ट्रा एंड रॉबर्ट मैकले ने दिए थे, तो इनको बिग फाइव फैक्टर्स भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे साइकोडायनामिक अप्रोच के बारे में। अब साइकोडायनामिक अप्रोच जो है वो सिगमंड फ्रॉयड ने डेवलप किया था, जो एक फिजिशियन थे, ही वाज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, एंड इन्होंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा था। इन्होंने नोटिस किया जो लोग इनके पास आ रहे थे, जब भी वो कोई भी प्रॉब्लम लाते थे और वो उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते थे, जब उनके बारे में खुल के बात करते थे, देन दे यूज टू फील बेटर। तो यहाँ से डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन, जो मन में आ रहा है बिना किसी जजमेंट के बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। तो वो फ्री एसोसिएशन जो होता है उससे इंसान जो होता है दे फील मोर रिलैक्स्ड। देन उसके बाद उन्होंने एक और चीज लाया, ड्रीम एनालिसिस, कि आपकी जो ड्रीम्स होती है वो डिफाइन करता है कि आपका एक्चुअल में पर्सनालिटी क्या है, हाउ आर यू फीलिंग, एंड एनालिसिस ऑफ एरर्स। एरर्स मतलब कि अगर आपने कभी कुछ बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हो गया तो अब उसको एनालाइज करने का। तो इन सब चीजों से, ये जो तीन फैक्टर्स है, इनसे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग फंक्शनिंग ऑफ माइंड को समझेंगे। फ्रॉइड ने डिफाइन किया तीन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को। एक लेवल होता है कॉन्शियसनेस का, जो होता है आपका कॉन्शियस लेवल, ठीक है, जहां पे आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड एक्शंस जो भी आप कर रहे हो, आप अवेयर हो उसके बारे में। मुझे, मैं अभी अवेयर हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अवेयर हो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज योर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। प्री कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनके बारे में आप अवेयर नहीं हो, बट आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो आप अवेयर हो जाओगे। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि आपने कल खाने में क्या खाया था, तो आप थोड़ा सा सोचोगे एंड आपको याद आएगा, अच्छा मैंने वो खाया था खाने में। तो दैट इज योर प्री कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। थोड़ा सा फोकस करोगे तो आप उसको वापस से ला सकते हो अपने कॉन्शियस उसमें। एंड फाइनली, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सब में, इज द अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। वो थोड़ा थोड़ा आप एक्सेस कर सकते हो ड्रीम एनालिसिस से, फ्री एसोसिएशन से, बट कंप्लीटली आप कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये थोड़े थोड़े जो चीजें होती है सिर्फ उनसे आप कर पाओगे। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो अनकॉन्शियस होता है, ये आपके जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, एनिमल ड्राइव्स होती हैं, इसका रिजर्वॉयर होता है। तो सारा आपका सेक्सुअल अर्जेस जो हो गया, एनिमलिस्टिक बिहेवियर हो गया, एंगर जो हो गया, वो अग्रेसिव टेंडेंसीज जो होती हैं, वो आपका अनकॉन्शियस में रूटेड होती हैं। एंड यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी कि सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह, एंड पीपल कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल टू फाइंड सोशली एक्सेप्टेबल वेज जिसमें ये अनकॉन्शियस टेंडेंसीज को दिखा सके बाहर। तो इसके वजह से उनको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है कि हर इंसान में अनकॉन्शियस होता है। अब ये जो अनकॉन्शियस की जो नीड्स हैं, अग्रेसिव नीड्स है, सेक्सुअल नीड्स है, उसको हम लोग सोशली एक्सेप्टेबल वे में कैसे दिखाएं, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है हर इंसान के अंदर। और यहाँ से उन्होंने तभी थेरेप्यूटिक प्रोसीजर बनाया, साइको एनालिसिस, जो इस अनकंफर्टेबल जो कॉन्फ्लिक्ट जो फील करते हैं उससे डील करने के लिए बना गया है। तो साइको एनालिसिस का बेसिक थ्योरी यही होता है कि जो हमारे अनकॉन्शियस होता है उसको कॉन्शियस में लाना, पीपल को अवेयर बनाना, एंड ट्राइंग टू हेल्प पीपल लिव अ बेटर लाइफ, और कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा कम हो जाए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रक्चर्स होते हैं पर्सनैलिटी के। एक स्ट्रक्चर होता है इड, इड जो होता है, ईगो जो होता है, और सुपर ईगो जो होता है, वो आप बेसिकली पहले हम लोग यहाँ पे जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन है उससे समझते हैं। इड जो होता है आपका, इट इज द सोर्स ऑफ अ पर्सन इंस्टिंक्चुअल एनर्जी। ये आपको एनर्जाइज करता है बेसिकली, ठीक है, ये ऑपरेट करता है सेक्सुअल नीड्स, अग्रेसिव टेंडेंसीज, जितना जो मैंने आपको पहले बोला था, इन सब चीजों पे ऑपरेट करता है। ये काफी प्लेजर सीकिंग होता है, तो ये प्लेजर प्रिंसिपल पे भी ऑपरेट करता है। ये फोकस नहीं करता कि अच्छा रियालिटी क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, नहीं, इसका जो नीड है वो चाहता है कि वो फुलफिल हो तो फुलफिल होगा। तो इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक जो एक बच्चा जो टैंट्रम थ्रो कर रहा होता है बहुत ज्यादा। एंड फ्रूड जो होता है वो कंसिडर करता है कि ये जो है कि काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड इंस्टिंक्चुअल एनर्जी जो होती है वो सेक्सुअल होती है मोस्टली नेचर में, एंड बाकी जो नेचर में होती है वो अग्रेसिव होती है नेचर में। ईगो जो होता है, अब जो इड होता है वो कहता है कि नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो अब ईगो जो क्या करता है वो इड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है। ईगो जो होता है वो अवेयर होता है कि अच्छा रियलिटी कैसी है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे कि अगर मतलब आपके सामने किसी का आइसक्रीम पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप कैसे भी उठा के भाग नहीं सकते आइसक्रीम के साथ। तो इड कहेगा कि नहीं मुझे आइसक्रीम खानी है, मतलब मुझे आइसक्रीम खानी है। ईगो आपको रोकेगा कि नहीं भाई अभी आइसक्रीम यहाँ पे अगर मैंने पकड़ ली तो मेरे को डांट वाट पड़ जाएगी। तो ईगो इज अवेयर ऑफ रियलिटी, तभी वो ऑपरेट करता है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर, एंड तभी मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इड जो है वो डिमांडिंग है, अनरियलिस्टिक है। ईगो ऑन दी अदर हैंड पेशेंट और रीजनेबल होता है थोड़ा सा। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो इज बेसिकली द मॉरल आर्म। अगर आपने आइसक्रीम देखा और आपने सोचा कि अरे नहीं मैं नहीं उठाऊंगी अभी इस आइसक्रीम को, बिकॉज
ये आइसक्रीम के लिए मैंने पे नहीं किया, ये किसी और की आइसक्रीम हो सकती है, ऐसे अच्छा नहीं होगा अगर मैं करूँ, तो वो आप सुपर सुपर ईगो पे रह रहे हो। ऐसे जो ट्रेडिशंस और वैल्यूज जो आपको इनकलकेट कर दी है आपके पूरे चाइल्डहुड में, आपके जो पेरेंट्स ने सिखाया, एक्सपीरियंसेस ने सिखाया है, जो वैल्यूज वगैरह, वो जो आपके अंदर जो आ जाता है, आप जो इंटरनलाइज कर लेते हो, वो आपका सुपर ईगो होता है। जब आप सोच रहे होते हो कि अच्छा हाँ कि इस सिचुएशन में मैं ऐसे नहीं बिहेव करूंगी बिकॉज इट इज नॉट गुड, दैट इज योर सुपर ईगो। तो आप ऐसे सोच सकते हो जैसे कार्टून्स में नहीं आप देखते हो कि इंसान होता है एंड देन उनको कोई डिसीजन लेना होता है और एक डिसीजन अच्छा डिसीजन होता है और एक दूसरा डिसीजन बुरा डिसीजन होता है, तो जो बैड डिसीजन होता है वो डेविल होता है एक तरफ यहाँ पे और एक एंजल होता है, तो और इंसान बीच में होता है। तो जो डेविल है वो सॉर्ट ऑफ लाइक इड है, इंसान जो बीच में वो ईगो है कि अच्छा वो मतलब वो थोड़ा बैलेंस कर रहे, एंड जो एंजल है जो कह रहे कि नहीं अच्छा काम करो, वो सुपर ईगो है। दिस इज वन वे यू कैन थिंक अबाउट इट। अब फ्रॉइड जो था उन्होंने कहा कि जो इड की जो एनर्जाइज होता है वो दो इंस्टिंक्ट से एनर्जाइज होता है, एक होता है लाइफ इंस्टिंक्ट और एक होता है डेथ इंस्टिंक्ट, मतलब कि हम लोग अलाइव हैं वो वाला इंस्टिंक्ट और हम लोग मरने वाले हैं वो वाला इंस्टिंक्ट। तो लाइफ इंस्टिंक्ट पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया और वो जो लाइफ इंस्टिंक्ट जो एनर्जाइज होती है वो होता है लिबिडो से, ठीक है, मतलब इमिडिएटली जो प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स के ऊपर। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है बेसिकली, आप बहुत सारा टाइम जब होता है जो लोग होते हैं वो अपने जो चीज जो उनको चाहिए उस तरीके से वो बिहेव नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए वो डिफेंस मैकेनिज्म्स को प्लेस में लाते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म इज अ वे फॉर अस टू रिड्यूस आर एंजाइटी एंड डिस्टॉर्ट आर रियालिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान किसी एक पर्टिकुलर वे में बिहेव कर रहा है बट वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, तो वो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को प्लेस में लाएगा जिससे उनका जो ईगो है वो प्रोटेक्टेड रहता है, वो ईगो हर्ट नहीं हो, इसलिए हम डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, सबसे पहले तो होता है रिप्रेशन, ठीक है, जो आपको चीज जो हर्ट कर रही है उसको रिप्रेस कर दो, उसके बारे में सोचो ही ना, उसको अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस से हटा दो। तो कभी कभी जो लोग बोलते हैं कि यार मुझे नहीं पता मैंने इस वे में क्यों बिहेव किया उस इंसान के साथ, तो वो उनको नहीं पता क्योंकि उन्होंने रिप्रेस कर दिए थे अपने थॉट्स। तो जो आपके जो इमोशंस होते हैं जिसके साथ आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो एक्सप्रेस करने में, आप जब उनको हटा देते हो अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस से तो रिप्रेशन होता है। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कि पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर, मतलब कि जो मेरे ट्रेड से मैं बाकी में एट्रीब्यूट करती हूँ, मेरे को लगता है कि मैं अच्छी इंसान हूँ, मैं काइंड हार्टेड हूँ, तो मैं बाकी लोगों को भी ऐसे सोचूंगी जैसे बाकी सब भी अच्छे इंसान है, बाकी भी काइंड हार्टेड है। यही अगर मैं काफी कनिंग हूँ तो मेरे को भी लगेगा कि बाकी लोग भी हैं वो भी बहुत ज्यादा कनिंग होते हैं। तो अपने एट्रीब्यूट्स को बाकी लोगों पे फोकस कर देना, मतलब अपने ट्रेड्स को बाकी लोगों पे एट्रीब्यूट कर देने का। नेक्स्ट होता है डिनायल। डिनायल मतलब वही कि वो मतलब रिफ्यूज कर देते हैं एक्सेप्ट करने को रियलिटी को, जैसे कि मतलब कभी कभी जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाती है तो वो डिनायल में चले जाते हैं कि नहीं उनकी डेथ नहीं हुई है, अभी वो आ जाएंगे वापस। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है, जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो और आप बिहेव जिस तरीके से कर रहे हो वो ऑपोजिट है एक दूसरे से। तो आप कभी कभी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जब उनको ऐसे स्ट्रेस हो जाते हैं या फिर गुस्सा आ जाता है वो हंसना शुरू कर देते हैं, जैसे मुन्ना भाई MBBS मूवी, तो उसमें जब भी उसको गुस्सा आता था या फिर रोना आता था तो वो हंसना शुरू कर देता था। तो दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, जैसे आप बिहेव कर आप जो फील कर रहे हो आप वैसे बिहेव नहीं कर रहे हो, तो ऐसे इस सिचुएशन में हम लोग कहते हैं वो रिएक्शन फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे कि समबडी जो हु हैज अ लॉट ऑफ सेक्सुअल अर्जेस माइट टर्न टू रिलीजन, जिससे कि वो अपना उसको ज्यादा अपने ईगो को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन, जो फील कर रहे हैं वैसा बिहेव उसका अपोजिट कर रहे हैं। रैशनलाइजेशन जो क्या होता है, वो अपने जो अनरीजनेबल फीलिंग्स एंड बिहेवियर है उसको रैशनलाइज करना कि अच्छा नहीं मेरे पेपर में इसलिए मार्क्स नहीं आए क्योंकि ये पेन खराब था, ठीक है, या फिर वो पेपर जो था उसका क्वालिटी खराब थी, तो ये रैशनलाइज कर रहे हो। आप बहुत अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल दे रहे हो कि आपका जो पर्टिकुलर बिहेवियर या फीलिंग था वो किस वे में था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फ्रॉइड के स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। फ्रॉइड ने इसके साथ साथ एक सेसेस स्टेजेस भी दिए थे बहुत सारे, जो आपके बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेज जो होता है दैट इज योर ओरल स्टेज, ठीक है। तो अब ये जो स्टेजेस होते हैं ये साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होते हैं, मतलब कि आपको ग्रेटिफिकेशन मिलता है कहीं ना कहीं, आपको जो प्लेजर होता है आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट से मिलता है इन स्टेजेस में। ओरल स्टेज जो होता है वो न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे उनको प्लेजर मिलता है फ्रॉम देयर माउथ, ऑब्वियसली बिकॉज जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनका पूरा सर्वाइवल ही उनके माउथ पे डिपेंड करता है, वो कैसे खाना जब लेते हैं, वो ब्रेस्ट फीड जब हो रहे होते हैं तो वो जब सक करते हैं तो उनको प्लेजर मिलता है, तो दैट इज योर प्लेजर सीकिंग स्पॉट। एंड ओरल ग्रेटिफिकेशन जैसे थम सकिंग भी हो गया, बाइटिंग भी हो गया, उन सबसे भी मिलता है। अर्ली मंथ्स में बेसिकली इंसान का जो बेसिक फीलिंग्स होती है अबाउट देयर वर्ल्ड वो डिटरमाइन की जाती है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो
इंसान बड़े होके सोचता है कि ये जो वर्ल्ड है वो काफी बिटर प्लेस है, वो काफी गंदी प्लेस है, उनका ओरल स्टेज में काफी प्रॉब्लम हुआ होता है, तभी वो ऐसा फील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनल स्टेज। एनल स्टेज इज बेसिकली जब उनको प्लेजर मिल रहा होता है बाय यू नो द मीन्स ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। तो जब वो मतलब द होल पॉटी ट्रेनिंग जो होता है कि जब मतलब हम लोग उनको सिखाते हैं कि अपना जब भी उनको वॉशरूम जाना है तो उनको बताए, ये जो फेज होता है वो आपका एनल स्टेज के अंदर आता है। एंड बाउल मूवमेंट से बेसिकली बच्चा जो है उसको प्लेजर गेन करने को मिलता है। यहाँ पे पहली बार मतलब जो चाइल्ड होता है उसको रियलाइज होता है कि उनकी बॉडी के जो अर्जेस हैं वो सोसाइटी कंट्रोल कर रही होती है। बिकॉज पहले तक उनको वो हम लोग डाइपर्स पहनाते थे, कहते थे कि अच्छा जब भी हो रहा है हो रहा है। अब हम उनको ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं, वेन एवर यू वॉन्ट टू गो टू द वॉशरूम आप हमको बताओ, ठीक है, इंडिकेट करो, फिर आप वॉशरूम में जाओ, फिर जाके आप करोगे। तो ये आपका यहाँ पे पहली बार उनको देखने को मिलता है कि चाइल्ड को कि अच्छा उनकी बॉडी की फंक्शंस जो है उसको भी कंट्रोल करना है। तो यूजुअली यहाँ पे लिखा हुआ है समबडी जिसको बेसिकली बहुत ज्यादा यू नो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि बहुत ज्यादा बेबीएश बिहेवियर होता है, तो यहाँ पे उनको कॉन्फ्लिक्ट हुआ होता है इस स्टेज में पर्टिकुलरली, तभी उनका बिहेवियर ऐसा है। फैलिक स्टेज ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आपको जेनिटल्स जो होते हैं वहां से प्लेजर सीख करने को मिलता है। ये 4 से 5 के एज के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो बच्चा होता है उसको सेक्सुअलिटी की अवेयरनेस आती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो है उनके पेरेंट्स के बीच में उसकी अवेयरनेस आती है, जेंडर क्या है उसकी अवेयरनेस आती है। तो एडिपस कॉम्प्लेक्स में बेसिकली जो होता है, तो बॉय होता है जो भी 4 से 5 साल में होता है, ही इज इन लव विद हिज मदर एंड दैट इज वाई बिकॉज वो ही इज इन लव विद हिज मदर एंड ही नोज कि उसके मम्मा एंड पापा रिलेशनशिप में है, ही गेट्स हॉस्टाइल टुवर्ड्स हिज फादर एंड बिकॉज ही इज हॉस्टाइल टुवर्ड्स हिज फादर ही इज अफ्रेड कि यू नो उसको पनिशमेंट मिलेगा या फिर कैस्ट्रेशन बॉम्ब मिल जाएगा बाय द पर्टिकुलर फादर। इसी के साथ साथ अब मेजर डेवलपमेंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है कि एडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो रिजोल्व हो जाए, मतलब कि यू नो जो चाइल्ड है ही स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद हिज फादर कि मतलब उसको अपने मम्मी के साथ आना है, तो यू नो ही स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद हिज फादर एंड देन वो जो फादर जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो भी उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा। एंड तभी जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो उनका जेंडर रोल्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे इमर्ज करना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज द सेम, यू नो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में भी जो डॉटर्स होती हैं दे आर इन लव विद देयर जो फादर्स होते हैं एंड दे सिंबॉलिकली ट्राई टू मैरी हिम एंड रेज अ फैमिली एंड देन बिकॉज उनको वो नहीं मिल पाता है दे ट्राई टू आइडेंटिफाई विद द मदर, ठीक है। तो वो मदर जैसे बिहेव करती हैं वो करना शुरू कर देते हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो होता है विद द सेम सेक्स पेरेंट ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर स्टेज में। एंड इससे साथ साथ हॉस्टिलिटी जो होती है टुवर्ड्स द मतलब यू नो द सेम सेक्स पेरेंट्स वो कम हो जाती है बिकॉज वो हम आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं उनके साथ। लेटेंसी पीरियड बेसिकली जो होता है, लेटेंसी पीरियड आपका होता है 7 ईयर्स से लेके प्यूबर्टी तक। ये वाला जो पीरियड होता है आपका मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो होती है वो चैनलाइज होती है सोशल और अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में। इसमें आपका जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होते हैं प्लेजर सीकिंग वो सब नहीं होता है। जेनिटल स्टेज इज बेसिकली स्टेज जो आपका एडोलेसेंस से लेके यू नो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ में रहता है, जहाँ पे आपको प्लेजर आपके जेनिटल्स के थ्रू मिलता है। यहाँ पे आप लर्न करते हो कि ऑपोजिट सेक्स के साथ कैसे मेच्योरली बिहेव करना चाहिए, सेक्सुअलिटी के बारे में आप ज्यादा मतलब यू नो अच्छे से अंडरस्टैंड करने लग जाते हो। इसी के साथ साथ फिक्सेशन क्या होता है, अब इन सब स्टेजेस में अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है और वो इंसान जो होता है वो उससे कोप नहीं कर पाता तो वो वहां पे अरेस्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर स्टेज में, वो फिक्सेट हो जाता है। तो वो फिक्सेशन जो होता है वो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड हु डज नॉट सक्सेसफुली पास थ्रू द फैलिक स्टेज फेल्स टू रिजॉल्व द एडिपल कॉम्प्लेक्स एंड मे स्टिल फील हॉस्टाइल टुवर्ड्स द पेरेंट्स ऑफ द सेम सेक्स, मतलब कि एडिपस कॉम्प्लेक्स वो रिजॉल्व नहीं कर पाए तो उनका हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द सेम सेक्स पेरेंट रहेगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वो बहुत ज्यादा हैम्पर कर देती है आपके नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो चीज होती है रिग्रेशन, रिग्रेशन जो बेसिकली होता है इज अनदर डिफेंस मैकेनिज्म जहां पे आप जाते हो अपने पुराने तरीकों में टू रिजॉल्व योर प्रेजेंट डे कॉन्फ्लिक्ट। तो जब आप देखो कि लोग अपना नेल्स बाइट कर रहे होते हैं या फिर बेड वेटिंग होता है, तो इन सब चीजों से जो पहले उनको हेल्प करता था पहले जो स्टेजेस में, अब वो वाली चीजों को वो यूज करते हैं करेंट सिनेरियोस में टू रिजॉल्व आज के दिन का प्रॉब्लम। तो इज लाइकली टू इन सच अ सिचुएशन इट टेक्स अ पर्सन टू एन अर्लियर स्टेज, दैट इज यहाँ पे इट फॉर साइकोडायनामिक। ऑलराइट, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं फ्रॉइड ने साइकोडायनामिक अप्रोच में काफी मतलब यू नो कॉन्ट्रीब्यूट किया एंड इन फ्रॉइड के कॉन्ट्रीब्यूशन के चक्कर में साइकोडायनामिक अप्रोच जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो गया एंड इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोचेस इन साइकोलॉजी। हाउएवर
यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारी जो चीजें फ्रॉयड ने बोली वो मतलब थोड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग थी, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही बहुत सारे फ्रॉयडियंस जो थे, जो बिलीव कर मतलब फ्रॉयड के साथ पढ़ रखे थे या फिर उनकी थ्योरीज में पहले बिहेव करते थे, वो वहां से कट ऑफ हो गए और उन्होंने खुद की थ्योरीज बनाना शुरू की। तो इनको हम लोग कहते हैं न्यू एनालिटिक्स या फिर पोस्ट फ्रॉयडियन। तो फ्रॉयड के बाद जो उन्होंने खुद की थ्योरीज लाई और जो खुद का मतलब कॉन्सेप्ट लाए, वो आपके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। ये जो लोग होते थे ये अपना इतना ज्यादा फोकस नहीं करते थे सेक्सुअल अग्रेसिव नीड्स में, ये भी कहते थे कि इंसान जो होता है उसमें कॉम्पिटेंसी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती है, एंड वी आर ऑल मोटिवेटेड बाय पर्सनल ग्रोथ। सिर्फ सेक्सुअल एंड अग्रेसिव डिजायर्स नहीं डिटरमाइन करती कि हमारा बिहेवियर कैसे होगा, हमारा जो पर्सनल गोल्स होता है, हमारे जो कलेक्टिव एबिलिटीज होती है, वो भी डिटरमाइन करते हैं कि हम लोग आगे जाके कैसे बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो थ्योरिस्ट इज कार्ल यंग। कार्ल यंग ने एक्चुअली काफी ज्यादा काम किया था फ्रॉयड के साथ, दे वर वेरी क्लोज, बट देन ही ब्रोक ऑफ विद हिम। एंड उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो एम्स एंड एस्पिरेशंस पे भी बहुत ज्यादा डिटरमाइंड होता है, एंड ही डिटरमाइंड उनका खुद का एक उन्होंने ब्रांच शुरू किया साइकोलॉजी का, जिसका नाम उन्होंने दिया एनालिटिकल साइकोलॉजी। इसका बेसिक अजम्पशन यहाँ पे इज दैट पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ कंपीटिंग फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर्स विद इन द इंडिविजुअल रादर देन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। इंडिविजुअल के विद इन जो कंपीटिंग फोर्सेज हैं, कंपीटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि इंडिविजुअल कैसे डेवलप करेगा, रादर देन इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इंडिविजुअल सोसाइटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, एड ईगो वाला कॉन्फ्लिक्ट जो फ्रॉयड ने एम्फोसाइज किया था। इसके साथ साथ इन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करी कि हम लोग एक तो अनकॉन्शियस हमारे जो इंडिविजुअली होता है, एक होता है कलेक्टिव अनकॉन्शियस कि ऑल ऑफ अस आर बॉर्न विद दिस अनकॉन्शियस, जो भी हम लोग ग्रुप के पार्ट होते हैं, ये इंडिविजुअली अक्वायर नहीं किए जाते, ये इनहेरिटेड होते हैं। तो जैसे कि द मदर अर्थ वाला आर्केटाइप है, हमको किसी ने ऐसे यूजुअली सिखाया नहीं। तो अकॉर्डिंग टू यंग, ये जो आर्केटाइप्स होते हैं, ये जो प्रीमॉर्डियल इमेजेस होती हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी रहती हैं। मिथ्स, ड्रीम्स एंड आर्ट्स में भी देखने को मिला गया होता है। एंड जो सेल्फ होता है वो यूनिटी और वननेस के टूवर्ड्स मतलब स्ट्राइव करता है। हम चाहते हैं कि हम यूनिटी पे फोकस करें, हम चाहते हैं कि हम लोग वननेस पे फोकस करें। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत ज्यादा डिवोशन दिया और इन स्टडिंग द वेरियस ट्रेडिशंस, एंड कैसे कि ये जो आर्केटाइप्स होते हैं, जैसे मदर इंडिया का आर्केटाइप हो गया है, ठीक है, भारत माता का आर्केटाइप हो गया, मदर अर्थ का आर्केटाइप हो गया, भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग कैसे बायोलॉजिकली इनहेरिट करते हैं, इसके ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा स्टडी की है। नेक्स्ट पर्सन जो है इस कैरन हॉर्नाय। तो कैरन हॉर्नाय इज बेसिकली, आपने अगर नोटिस किया होगा, फ्रॉयड जो थे उन्होंने ज्यादा विमेन के ऊपर बात नहीं की थी, ठीक है, ही वॉज सोलली फोकसिंग ऑन मेन। एंड इसके साथ साथ फ्रॉयड ने ये भी कहा था कि जो विमेन होती है दे हैव पीनस एनवी। पीनस एनवी क्या होता है कि बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास बिकॉज पीनस नहीं है, सो वी हैव अ सॉर्ट ऑफ एंजाइटी विद इन आवर सेल्व्स। तो दिस इज वॉट फ्रॉयड बिलीव्ड इन। कैरन हॉर्नाय वॉज अगेंस्ट सच अ नोशन। उन्होंने कहा, इन एक ऑप्टिमिस्टिक नोशन ज्यादा लाया, उन्होंने कहा कि नहीं, विमेन इंफीरियर नहीं होती है, नहीं, विमेन डू नॉट गो थ्रू पीनस एनवी। एंड उन्होंने ये भी कहा कि जो डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं हमारे चाइल्डहुड में, उसके वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, रादर देन दिस अग्रेसिव सेक्सुअल टेंडेंसीज का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है। इन्होंने बेसिक एंजाइटी की बात करी कि जब भी पेरेंट्स थोड़ा हॉस्टाइल होते हैं बच्चों के टूवर्ड्स, तो उनमें बेसिक एंजाइटी डेवलप हो जाती है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि एक्सेसिव अगर आप डोमिनेंस दिखाओगे अपने बच्चे के टूवर्ड्स, बहुत ज्यादा इंडिफरेंस दिखाओगे, तो बच्चा आपको एंड में ज्यादा आपको हेट करना शुरू कर देगा, एंड वो उसका ग्रोथ जो है उसमें भी आप इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे कैरन हॉर्नाय ने फोकस किया। अल्फ्रेड एडलर ने खुद की ब्रांच बनाई, दिस इज इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी में उन्होंने ऑब्वियसली इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया। उन्होंने कहा कि जो हमारा बिहेवियर होता है दैट इज पर्पसफुल इन नेचर, काफी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, और हमारे जो पर्सनल गोल्स होते हैं दैट इज आर प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। एडलर ने यहाँ पे इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का भी थ्योरी दिया, जो अराइज करता है चाइल्डहुड में, बाकी लोगों से हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं एंड हम लोग रियलाइज करते हैं कि हम इन्फीरियर हैं। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो अल्फ्रेड एडलर ने यहाँ पे दिए थे। इसके साथ ऑनरिक फ्रॉम जो थे उन्होंने बताया कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स कितना इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं दे आर सोशल एनिमल्स, ठीक है, सोशल बींग्स होते हैं, वी अंडरस्टैंड ईच अदर इन टर्म्स ऑफ मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तभी इन्होंने ज्यादा फोकस दिया अबाउट डिजायर फॉर फ्रीडम एंड स्ट्राइविंग फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस। जो फ्रॉम थे उनका होल्ड करते थे ये बिलीव कि कैरेक्टर ट्रेट्स जो होते हैं वो
वो डेवलप करते हैं विद एक्सपीरियंसेस विद अदर इंडिविजुअल्स। तो जो अदर इंडिविजुअल्स के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, एंड कल्चर जो होता है वो शेप करता है बाय द मोड ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ अ गिवन सोसाइटी। पीपल डोमिनेट इन अ गिवन सोसाइटी वर्क एज फोर्सेज इन शेपिंग द सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर इटसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है कि अभी तक मैंने जो आपको कह रही थी कि कल्चर आपको डिफाइन करता है, कि कल्चर आपके सेल्फ को डिफाइन करता है, कल्चर कैसा है, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे, वो आपको बनाते हैं। यहाँ पे ऑनरी फ्रॉम एक और स्टेप आगे जाते हैं और कहते हैं कि सिर्फ कल्चर आपको नहीं बनाता, हम लोग जैसे हम लोग इवॉल्व होते हैं हम कल्चर को भी शेप करते हैं। तो ये दोनों का सॉर्ट ऑफ साथ में ये चलते जाते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, सिर्फ एक जगह पे फोकस नहीं है। तो कल्चर एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। एरिक एरिक्सन ने सर्च फॉर आइडेंटिटी दिया था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि स्ट्रेस प्ले किया था ऑन रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज व्यूड एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सिर्फ चाइल्डहुड पे फोकस नहीं रहता, लाइफ लॉन्ग चीज है। एंड ईगो की आइडेंटिटी जो होती है वो सेंट्रल प्लेस यहाँ पे रोल प्ले करती है। यहाँ पे उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस का थ्योरी दिया जो एडोलेसेंस में होता है, वेर एन दे आर हैविंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कि वो कौन है, उनके फीचर्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये वाली जो थ्योरी थी वो एरिक एरिक्सन ने दी थी। अब साइकोडायनेमिक अप्रोच के क्रिटिसिज्म्स क्या है ये आप भी देख सकते हो, यहाँ से क्रिटिसिज्म शुरू होंगे। क्रिटिसिज्म सबसे पहला ये है कि ये बहुत ज्यादा केस स्टडी पे फोकस था। कोई भी अगर आपका साइंटिफिक एंडेवर सिर्फ केस स्टडी पे फोकस है तो वो उतना साइंटिफिक नहीं, क्यों? क्योंकि हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के साथ हुए, जरूरी नहीं है कि ये सब लोगों के साथ हो। तो आपने ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मेथड बाकी साइंटिफिक मेथड पे फोकस नहीं किया। नेक्स्ट, उनके जो सैम्पल साइज था वो छोटा था, ठीक है। अगेन, सैम्पल साइज अगर आपका छोटा होगा तो आप उनको जनरलाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। हर इंसान पे क्या वो जनरलाइज हो सकता है जो सिर्फ ऐसे 10-15 लोगों पर प्रो स्टैंड करता है? नहीं। तो तभी हम लोगों को ये भी इश्यू आ जाता है कि सैम्पल साइज काफी छोटा था, कॉन्सेप्ट जो है वो पुअरली डिफाइंड है, उतने ज्यादा वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम उसको साइंटिफिकली उसको स्टडी कर सकें। एंड यहाँ पे मेल के ऊपर ज्यादा फोकस था, फीमेल को उन्होंने कंप्लीटली ओवरलुक कर दिया था। तो मेल सैंपल्स पे फोकस करके उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, दैट इज नॉट नेसेसरी। उन्होंने फीमेल सैंपल्स को इन्वॉल्व ही नहीं किया। इसके बाद हम लोग आते हैं बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है। बिहेवियरल अप्रोच बेसिकली आपका क्या होता है, बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो माइंड वगैरह पे बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं कि इंसान का जो पर्सनैलिटी होता है, जिस तरीके से वो एंगेज करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिएक्शन। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो फोकस करता है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरिस्ट जो बिलीव करते हैं डेटा पे, डिफाइनेबल चीजों पे, ऑब्जर्वेबल चीजों पे, मेजरेबल चीजों पे। बिहेवियरिस्ट बहुत साइंटिफिक होते हैं नेचर में, ठीक है। वो सिर्फ उन चीजों पे बिलीव करेंगे जो एम्पेरिकली वो देख सकते हैं, ठीक है, जिनको वो साइंटिफिक इंक्वायरी में डाल सकते हैं। साइकोडायनेमिक अप्रोच में हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे जो साइंटिफिकली हम लोग शायद से ना डाल सके। बिहेवियरिस्ट को चाहिए कि वो साइंटिफिकली प्रूव करो आप, वो चाहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में चीजों को देखने का। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पर्सनालिटी वो कहते हैं इज द रिस्पॉन्स। अकॉर्डिंग टू देम बिहेवियरल अप्रोच से आप सिखा सकते हो, अगर बच्चा खाना नहीं खाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको पॉजिटिवली भी इन्फोर्स करोगे तो वो खाना खाना शुरू कर देगा, एंड देन ओवरऑल दे विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर हेल्थ, एंड वो आगे जाके ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं उन चीजों में। तो कोर टेंडेंसी दैट ऑर्गेनाइजेस बिहेवियर इज द रिडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स दैट एनर्जाइजेस बिहेवियर। बेसिकली ये यही कहना चाह रहे हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो होता है वो आपका कोर होता है जो डिसाइड करता है कि आप कैसे बिहेव करोगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिएक्शन पे काफी ज्यादा फोकस होता है। बिहेवियरिज्म में बहुत सारी थ्योरीज है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, क्लासिकल, इंस्ट्रूमेंटल, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग। तो ये सारी जो थ्योरीज होती है इसका भी काफी ज्यादा वो यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड वॉट पर्सनैलिटी एंड सेल्फ एक्चुअली इज। एंड ये जो प्रिंसिपल्स होती हैं इनका काफी ज्यादा यूज किया गया है, जैसे कि ऑब्जर्वेबल लर्निंग जो होती है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से हम सीख सकते हैं अच्छा कि क्यों हम लोग कल्चर को अबाइड करते हैं, क्यों हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स बिहेव करते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है कल्चरल अप्रोच, जो फोकस करता है ऑब्वियसली कल्चर के ऊपर, कल्चर का इंपॉर्टेंस के ऊपर। यहाँ पे प्रपोज किया जाता है आइडिया कि आपका जो इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम होता है वो बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है इन कल्चर एंड बिहेवियर का वेरिएशन। आपका क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पे आप बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुए हो, आपका नेचर ऑफ टेरेन, कैसी लैंड है आप जहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुए हो, मतलब कि आप प्लेन्स में, प्लेटो में, माउंटेन रीजन में, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना कैसा है उस रीजन का, उसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वो तो ये सब डिटरमाइन करती ही करती हैं ये सारी चीजें, बट उसके साथ साथ आपका सोशल स्ट्रक्चर कैसे निकल के आएगा वो भी डिटरमाइन करता है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे
कि माउंटेन रीजन्स में जहाँ पे सबसे ज्यादा उतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो वो या तो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकती है कम्युनिटीज वहाँ पे, या तो वो कम्युनिटीज ज्यादा सोशल हो सकती है नेचर की, वो लोग सब लोग साथ में आके कोलाबरेट करते हैं, साथ में रहते हैं। जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज होती है वो यूजली ज्यादा अपने कम्युनिटी पे फोकस ज्यादा रहती है, ठीक है, दे आर मोर यू नो टाइट निट कम्युनिटीज होती है, वो साथ में ज्यादा रहती है, उनको रिसोर्सेज शेयर करते हैं, एज कम्पेयर टू हम लोग जो प्लेन्स में रहते हैं, मोस्ट ऑफ यू विल बी लिविंग इन प्लेन्स रीजन। तो ये जो हम लोग प्लेन्स वाले रीजन में रहते हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास काफी रिसोर्सेज है, काफी एम्पल है, तो हम लोग ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं एज कम्पेयर टू पीपल जो वहाँ पे होते हैं। तो जिस तरीके से आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए होते हैं, वो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी डिटरमाइन करता है, आपका सोशल स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन करता है, एंड बिकॉज वो आपका सोशल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है, वो आपका पर्सनैलिटी भी डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है बिरहोर ट्राइबल कम्युनिटी का, जो झारखंड से है। उन्होंने कहा है कि ये लोग जो होते हैं वो नोमैडिक होते हैं नेचर में। नोमैडिक लाइफ मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो हमेशा चलते रहते हैं, कहीं पे सेटल नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से उनको कॉन्स्टेंट मूवमेंट रिक्वायर होता है। तो इनके जो बच्चे होते हैं वो भी काफी ही यंग एज से यू नो उनको फ्रीडम सिखाया जाता है, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली रिसोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है, एंड इसके साथ साथ उनको इंडिपेंडेंट बनाने में काफी फोकस किया जाता है। ऑटोनॉमसली डिसीजंस लो, ठीक है, खुद से डिसीजंस लिया करो, खुद के डिसीजंस लिया करो, अचीवमेंट ओरिएंटेड ये लोग ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू समबडी जो एग्रीकल्चर सोसाइटी में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होता है। एग्रीकल्चर सोसाइटीज में ज्यादा फोकस होता है कि यू नो ओबीडियंट रहो, एल्डर्स का फोकस करो, ठीक है, आप जो यंगस्टर्स होते हैं उनको नर्चर करने में हेल्प करो, रिस्पॉन्सिबल बनो, ड्यूटीज लो। तो जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिरहोर कम्युनिटी में जहाँ पे वो लोग नोमैडिक हैं, वो मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली हर जगह से जगह, वहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी में ज्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे जो सेटल कम्युनिटी है एग्रीकल्चर में, यहाँ पे ओबीडियंस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ दैट इज वॉट देयर सिचुएशन रिक्वायर्स। वहाँ पे वो चाहते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो सीखे कि वो उनको बाहर जाना है, उनको यू नो रिसोर्सेज लाने हैं, कहीं सेटल नहीं होना है, तभी वो लीडरशिप क्वालिटीज अचीवमेंट ओरिएंटेड है। एग्रीकल्चर में उनको पता है कि वो लोग सब साथ में है, सब एक साथ जुट के रहे हैं, तभी वो सोशल कम्युनिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास आ जाती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी इज बेसिकली जो कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मास्लो ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। कार्ल रॉजर्स ने एग्जांपल दिया था यहाँ पे फुली फंक्शनिंग ह्यूमन का। फुली फंक्शनिंग ऐसा इंसान होता है जिसके विद इन की जो मतलब फोर्सेस होते हैं वो खुद से मोटिवेटेड रहता है, यू नो वो खुद हैप्पी रहते हैं, वो हमेशा उनके पास यू नो लाइफ में जो भी चीजें होती है वो हमेशा यू नो बहुत प्लेजेंटली उसको लेते हैं, इनबॉर्न टेंडेंसी होती है उनके अंदर। तो ये जो इंसान होता है जो सारी चीजों को साथ में लेके चलता है, खुद मोटिवेटेड है, एवरीवन के साथ है, यू नो वो कंपेयर नहीं करते अपने आप को ज्यादा, वो एक फुली फंक्शनिंग ह्यूमन को बनाता है। रॉजर्स ने बेसिक टू अजम्पशंस दिए थे अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। एक तो कि ह्यूमन बिहेवियर गोल डायरेक्टेड होता है, हमारे पास गोल्स होते हैं, हम उसको अचीव करना चाहते हैं, एंड सेकेंडली दैट पीपल विल ऑलमोस्ट ऑलवेज चूज अडैप्टिव एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। अब दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम साइकोडायनामिक। वहां पे हम लोग कह रहे थे कि सेक्सुअल एंड अग्रेसिव अर्जेस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं कि जो आपका बिहेवियर होता है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, वो आप जिस तरीके से बिहेव करोगे डिपेंड्स ऑन योर गोल्स जो हैं, एंड आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपने गोल्स को अचीव करना चाहोगे। तो एक थोड़ा पॉजिटिव व्यू हो गया ह्यूमन बीइंग्स का। इन्होंने नोट किया कि सेल्फ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ का थ्योरी पे ज्यादा इसलिए इन्होंने फोकस किया है। रॉजर्स ने एक और कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ ऐसा सेल्फ होता है जो आप बनना चाहते हो, एक होता है रियल सेल्फ जो आप हो, आइडियल सेल्फ होते हैं जो सेल्फ आप बनना चाहते हो, आप आइडियली ऐसा होना चाहते हो। तो आपके जो आइडियल सेल्फ होता है और रियल सेल्फ होता है, अगर इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, इसके बीच में कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, इनकॉन्ग्रुएंट है ये दोनों, तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है। रॉजर्स का बेसिक प्रिंसिपल इज दैट पीपल हैव अ टेंडेंसी टू मैक्सिमाइज सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब कि जैसे कि आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टूवर्ड्स बढ़ते जाओगे तो आप ज्यादा सोशल बनते जाओगे और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो इससे यहाँ पे ये भी फोकस किया है कि सोशल कंडीशंस जो होती हैं वो भी डिटरमाइन करती है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि सेल्फ एस्टीम हो गया, सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया, सेल्फ एफिकेसी हो गया, ये सब चीजें आपके पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड आपका सोसाइटी में जैसे रहते हो उस पर भी डिटरमाइन होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो कार्ल रॉजर्स ने दी है इज द थ्योरी ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। मतलब कि इंसान जो भी कह रहा है सामने से, आप उसको अनकंडीशनली पॉजिटिवली आप उस पर फोकस कर रहे हो, चाहे वो जो भी कहे, ठीक है, जो भी करे आप उसको पॉजिटिवली उस पर फोकस कर रहे हो। दैट इज वॉट अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज। एंड रॉजर्स ने कहा कि नॉर्मल सोसाइटी में हम लोग ये नहीं ला सकते, नॉर्मल सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हम चाहते हैं कि लोग सर्टेन वे में बिहेव करें, थेरेपी में हमको जरूरी हो जाता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाना। उसके साथ इसलिए डेवलप हुआ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट के ऊपर फोकस करना, क्लाइंट के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना। तो बहुत सारे टर्म्स यूज कर लिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले कार्ल रॉजर्स की बात करेंगे तो हम लोग फुली फंक्शनिंग ह्यूमन क्या होता है वो बोलेंगे। कार्ल रॉजर्स के दो बेसिक अजम्पशंस क्या हो गए ह्यूमन बींग के बारे में, सेल्फ पे कार्ल रॉजर्स ने इतना ज्यादा फोकस किया है वो लिखेंगे, एंड सेल्फ में आइडियल सेल्फ वर्सेज रियल सेल्फ एंड डिस्क्रिपेंसी के बारे में, सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ये जो रिलेशनशिप है इसके बारे में फोकस करेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा लिख देंगे अबाउट हाउ यू नो पर्सन का जो सोशल कंडीशन होता है डिटरमाइन करता है कि वो कैसे बिहेव करते हैं, एंड देन फाइनली अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ये सब चीजें कार्ल रॉजर्स के अंडर आ जाएंगी। मास्लो ने आपको हायरार्की दी थी जो बहुत ज्यादा फेमस है, मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स, एंड इस हायरार्की में सबसे ऊपर उन्होंने रखा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक ऐसा स्टेट जहां पे आप यू नो अपना सब कुछ अचीव कर लेते हो, फुल पोटेंशियल पे आप ऑपरेट कर रहे होते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिकम्स पॉसिबल बाय एनालाइजिंग द मोटिवेशंस दैट गवर्न आवर लाइफ, आपकी जो मोटिवेशंस है आप उसको गवर्न आज जो गवर्न कर रहे हैं आपके लाइफ को उसको आप जब एनालाइज करते हो तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसके जो पढ़ सकते हो। हमको पता है कि बायोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंग नीड्स आर कॉमनली फाउंड अमंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, दस इंडिविजुअल का जो सोल कंसर्न होता है विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ दीज नीड्स रिड्यूसेस हिम और हर टू द लेवल ऑफ एनिमल्स। तो ये मास्लो बेसिकली कह रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल नीड्स होती है, सोशल बेसिक जो नीड्स होती है जो सबसे लो होती है हायरार्की में, ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में काफी ज्यादा सेम होती है, बट अस एज ह्यूमन बींग्स वी हैव मोर पोटेंशियल देन एनिमल्स, तभी वी शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स वर्किंग टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि इन नीड्स से उभर के जो ऊपर की नीड्स है यू नो अपने आप को एस्थेटिक नीड्स जो है इंटेलेक्चुअल नीड्स जो है हमारी, ठीक है हमारा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है इन सब पे भी हमको फोकस करना होगा बिकॉज दैट इज वॉट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम से एनिमल्स। फाइनल जो टॉपिक है आपका यहाँ पे इज असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटीज, हम लोग पर्सनैलिटी हम लोग डे टू डे लाइफ में काफी असेस करते रहते हैं बट साइंटिफिकली उसको हम लोग कैसे असेस करते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। असेसमेंट रेफर्स टू द प्रोसीजर यूज टू इवेल्युएट और डिफरेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बेसिस में हम लोग लोगों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कैसे यू नो डिफाइन करते हैं, दैट इज वॉट असेसमेंट इज अबाउट। एंड जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है वो फॉर्मल एफर्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को असेस करने का। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे आप असेस कर सकते हो, मोस्ट कॉमन मेथड्स जो होते हैं वो है साइकोमेट्रिक अप्रोच, सेल्फ रिपोर्ट, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड बिहेवियरल एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेल्फ रिपोर्ट से। सेल्फ रिपोर्ट यहाँ पे आपको ऑलपॉट जो थे उन्होंने सबसे पहले दिया था कि बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनी पर्सन पर्सनैलिटी एंड सेल्फ इसकी उनको खुद से खुद के बारे में ही पूछ लो। ऑब्वियसली हम लोग एज अ आउटसाइड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग उसको उतने अच्छे से नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जो होते हैं वो एक रेटिंग स्केल देते हैं और इंसान को बताना होता है कि वो उस स्केल में कहाँ पे लाए करते हैं। That is what self-report measurement is about. सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है MMPI, which is Minnesota Multifaceted Personality Inventory, ठीक है? ये हैथवे एंड मैकिनली ने दिया था, ये जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जाम में लिख के आना है। हैथवे एंड मैकिनली ने दिया था, ये साइकाइट्रिक डायग्नोसिस में यूजुअली हेल्प किया जाता है बट आप इसको बहुत सारे वेरियस साइकोपैथोलॉजी जो होती है साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं उसको स्टडी करने में हेल्प कर सकते हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन इज MMPI 2 जिसमें 567 स्टेटमेंट्स है, आपको डिसाइड करना होता है कि ये स्टेटमेंट आपके लिए ट्रू है या फॉल्स है, बेसिकली आपको उस वे में आंसर करना होता है, तो 567 स्टेटमेंट्स होते हैं ऐसे। और इसके बाद आप इसमें 10 सब स्केल्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है, और ये 10 सब स्केल्स इज हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, साइकोपैथिक, डिविएट, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिनिटी, पैरानोया, साइकेनेस्थीसिया, स्किजोफ्रेनिया, मेनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन। अब ये जो चीजें हैं यूजुअली नहीं आती है एग्जाम में बट यू नेवर नो CUET में आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सी चीजें जो MMPI नहीं पढ़ता या पढ़ता है, तो प्लीज इन सब वर्ड्स को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ इंडिया में भी MMPI को इंडियनाइज करने का भी टेस्ट हुआ है जिसको मालिक एंड जोशी ने बनाया है, जिसको हम कहते हैं जोधपुर मल्टीफेसिक इन्वेंटरी टेस्ट, बिकॉज मिनेसोटा इज अ प्लेस इन अमेरिका, तो इंडिया का वाला जो इज जोधपुर मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी टेस्ट, ठीक है JMPI। आइसिंग का पर्सनैलिटी क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, EPQ जो इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड, इमोशनल स्टेबल न्यूरोटिसिज्म वर्सेज इमोशनल स्टेबिलिटी एंड साइकोटिसिज्म वर्सेज सोशियबिलिटी पे फोकस करता है। नेक्स्ट इज 16 PF जो हम लोग अगेन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किटेल ने दिया था, बहुत सारे ट्रेड्स में से उन्होंने डिफाइन किया, फैक्टर एनालिसिस किया, 16 ट्रेड्स पे आ गए। अब इसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं और सब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड करना होता है टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन बाय चूजिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, तो उनको ऑप्शन दिए जाते हैं, सिचुएशन दी जाती है, अब उनको चूज करना होता है अच्छा मैं इस तरीके से बिहेव करूंगा या फिर मैं इस तरीके से यू नो रिस्पॉन्ड करूंगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स में यूजली दिया जाता है एंड अडल्ट में भी देखा जाता है कि यूज किया जा रहा है। अब जो टेस्ट होते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में ना थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि सेल्फ डिजायर, सोशल डिजायरेबिलिटी,
जो आंसर्स वो दे रहे हैं वो नेसेसरी नहीं है कि वो उनके लिए ट्रू हो, वो शायद से उस तरीके से इसलिए आंसर कर रहे हैं क्योंकि वो सोशल डिजायरेबल हो। तो इंसान जो अग्रेसिव है वो शायद से इस वे में डिसाइड यू नो आंसर कर रहे हैं जो नॉन अग्रेसिव टेंडेंसीज दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगे कि नहीं, ये सोसाइटी ज्यादा एक्सेप्ट करती है तो मैं आंसर भी ऐसे करूंगा। नेक्स्ट होता है एक्विसेंस। एक्विसेंस इज बेसिकली यू नो चाहे जो भी आंसर हो आप यस 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 कर जा रहे हो, तो वो आपका हो जाता है एक्विसेंस के अंदर, वो हाँ 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 ही दबाए जा रहे हैं। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली लोग हमेशा सच नहीं बोलते हैं, थोड़े लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज्यादा यू नो इशू क्रिएट कर देती है सेल्फ रिपोर्ट की रिलायबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट टेक्निक्स जो है हमारे पास इस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इज बेसिकली ए टेक्निक्स जहाँ पे सेल्फ और पर्सनैलिटी को स्टडी किया जाता है बाय शोइंग यू नो थोड़े से जो स्टिमुलाई होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली हम लोग नहीं स्टडी कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम लोग यू नो नॉर्मल स्टडीज में क्वेश्चन दे रहे होते हैं, प्रॉपर एकदम ऐसा असेसमेंट होता है। इन वाले सिचुएशन में जो क्या होता है, डायरेक्ट मेथड नहीं होता है, इनडायरेक्टली हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। कैसे स्टडी करते हैं अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। आपका जो स्टिमुलस होता है ये लेस स्ट्रक्चर्ड होता है यहाँ पे, या फिर पूरा ही अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस होता है। एंड देन उसके बाद इंसान को पूछा जाता है कि आपको इस स्टिमुलस को देख के क्या लग रहा है, आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। उस रिस्पॉन्स से हम इंटरप्रेट करते हैं कि इंसान एक्चुअली में क्या फील कर रहा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो इसको है ना आप एग्जाम्पल के साथ ही समझ पाएंगे, पर यहाँ पे आप देख लीजिएगा थोड़े से नेचर दिए गए स्टिमुलाई के। स्टिमुलाई अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, जैसे ये देखिए, ये आपको ये जो डायग्राम दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख नहीं सकते हो कि आप ये है क्या एग्जैक्टली, काफी अनस्ट्रक्चर्ड काफी वेग सा डायग्राम है। इसके साथ जो पर्सन है उसको यूजुअली पता नहीं होता कि इसका पर्पस क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई करेक्ट और रॉन्ग आंसर नहीं होता, ठीक है, जो आपके मन में आ रहा है आप वो आंसर कीजिए। और ईच रिस्पॉन्स जो होता है वो कंसिडर करते हैं कि बहुत सिग्निफिकेंट इस रिस्पॉन्स से कुछ इंपॉर्टेंट ही रिवील करेगा इंसान के बारे में। एंड स्कोरिंग जो होती है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती, सब्जेक्टिव होती है, बहुत ही ज्यादा यू नो डिफिकल्ट होती है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रेंड होना पड़ता है अगर आप इसको स्कोर करना चाहते हैं। तो ये जो चीज है ये होती है आपकी रॉस्टार्ट इनब्लॉट टेस्ट, ठीक है। ये हरमन रॉस्टार्ट ने दिया था, जहाँ पे आपको बेसिकली 10 इनब्लॉट दिखाए जाते हैं, 5 ऑफ देम आर इन ब्लैक, 2 ऑफ देम आर इन रेड इंक, एंड बाकी जो 3 है वो आपके होते हैं पेस्टल कलर्स में। ये सिमेट्रिकल होते हैं, बेसिकली आपका जो पेपर होता है उसमें इंक ब्लॉट डाल दिया जाता है और फोल्ड किया जाता है, एंड देन जो आपका शेप बन के आता है वो ऑब्वियसली सिमेट्रिकल होगा बिकॉज फोल्ड कर रहे हैं हम लोग पेपर को। और ये 7 बाय 10 वाले साइज में देखने को मिलता है। यहाँ पे दो फेजेस होते हैं, एक होता है परफॉर्मेंस प्रॉपर, जहाँ पे आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हो, यू नो आपसे पूछा जाता है अच्छा आपको क्या दिख रहा है, क्या आप सोच सकते हो, एंड इंक्वायरी स्टेज होता है जहाँ पे आपको जो रिस्पॉन्स मिला है आप उसको असेस कर रहे होते हो। यहाँ पे काफी ज्यादा कंप्यूटर टेक्निक्स का भी यूज किया जा रहा है आजकल टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज रोशाच इन ब्लॉक टेस्ट। नेक्स्ट इज थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जो होता है दैट इज डेवलप्ड बाय मॉर्गन एंड मोरे। यहाँ पे आपको 30 पिक्चर्स दिखाई जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, एंड यहाँ पे एक ब्लैंक कार्ड भी दिया जाता है। ईच पिक्चर में सर्टेन सिचुएशंस होते हैं, एंड इंसान से पूछा जाता है कि अच्छा उस सिचुएशन में आपको क्या दिख रहा है, आप उस स्टोरी लाइन बनाओ। एंड यू नो ईच पिक्चर में आपको अडल्ट मेल दिखे जाएंगे, थोड़े में फीमेल्स दिखी जाएंगी, बॉयज एंड गर्ल्स होंगे। तो बेसिकली 20 कार्ड्स यूजली यूज किए जाते हैं, 30.5 को नहीं यूज करते, 20 कार्ड्स में यूजली आ जाता है। तो अभी कभी कम इवन कम कार्ड्स में भी लोगों ने देखा है कि सब्जेक्ट का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हम लोग बना सकते हैं। एंड देन उसके बाद बेसिकली यही पूछा जाता है कि अच्छा जैसे ये इमेज है, क्या स्टोरी है, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या आपको लगता है। एंड जैसे वो सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करते हैं वैसे आप डेवलप कर सकते हो उस इंसान की पर्सनैलिटी का अंडरस्टैंडिंग। इसका इंडियन वर्जन उमा चौधरी ने बनाया है, इसका इंडियन अडाप्टेशन। नेक्स्ट इज बेसिकली रोजनबाइक पिक्चर्स फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है, इंसान को एक सिचुएशन दिखाई जाती है पिक्चर में जो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकती है। अब इंसान से पूछा जाता है कि आप बिहेव कैसे करोगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो इससे आप फ्रस्ट्रेशन लेवल जो होता है, अग्रेशन लेवल होता है, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हो। तो यही लिख रखा है, विद द हेल्प ऑफ कार्टून दिखाया जाता है, एनालिसिस होता है रिस्पॉन्स का, एंड देखा जाता है कि किस डायरेक्शन में आपका अग्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस का, अच्छा हाँ सॉरी, पारिक जो है उन्होंने डेवलप किया है एक इंडियन अडेप्टेशन ऑफ पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कुछ नहीं है, बेसिकली जैसे ये सेंटेंसेस दिए हुए, माई फादर, माई ग्रेटेस्ट फेयर इज, आई एम प्राउड ऑफ, तो ये ऐसे सेंटेंसेस दिए जाते हैं और इंसान को बोला जाता है आप उस सेंटेंस को फिल कर दीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया जाता है, सेकंड पार्ट फिल करना होता है, एंड देन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं टू अंडरस्टैंड वट एवर द पर्सन इज गोइंग थ्रू। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, जहाँ पे बोला जाता है कि आपको बेसिकली एक इंसान को ड्रॉ करना होता है। सबसे पहले दे आर आस्क्ड टू ड्रॉ द पर्सन ऑफ देयर ओन सेक्स, फिर उसके बाद बोला जाता है कि आप दूसरे सेक्स के इंसान को ड्रॉ करें। यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है जब भी कोई
फेशियल फीचर्स अगर वो ऑमिट कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट द पर्सन ट्राइज टू इवेड अ हाईली कॉन्फ्लिक्ट रिडल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. ठीक है, तो ये बेसिकली दे रखा है कि इन सिचुएशन में ऐसा होगा. तो अगर आपके जो ड्रॉइंग है वहां पे फेशियल फीचर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो बेसिकली इंडिविजुअल जो है वो अपने जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में इशू आ रही है उससे विदड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है. अगर जो नेक है उस पर ग्राफिक एम्फोसिस है, मतलब कि वो इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते. अगर हेड का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है बॉडी के साइज से, तो इट शोज यू नो बेसिकली ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज का साइन हो सकता है, या फिर ऑक्यूपेशन विद हेडेक. अगेन रॉ पर्सन टेस्ट को असेस करना भी काफी डिफिकल्ट है, हर प्रोजेक्टिव टेस्ट को असेस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए आपको एक्सटेंसिव ट्रेनिंग जरूरी होती है. बिहेवियरल एनालिसिस जो होता है ये आपके फोकस करते हैं साइंटिफिक मेथड्स पे, जैसे कि सबसे पहले इंटरव्यू आ जाता है. इंटरव्यू में बेसिकली आप वन ऑन वन बेसिस पे इंफॉर्मेशन सीख कर रहे होते हैं इंसान से. इंटरव्यू दो टाइप के हो सकते हैं, आपके स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आप बस बैठ जाते हो एंड देन उसके बाद यू नो जैसे जैसे रिस्पॉन्सेज आते हैं आप उससे क्वेश्चन बनाते जाते हो, ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं होता जो आप फॉलो करते हो. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऑन दी अदर हैंड इज वेरी सिस्टमैटिक इन नेचर. ठीक है, आपको पता होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है पहले, फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछना है, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आप ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन कर पाओ जिनके बेसिस पे. ऑब्जर्वेशन क्या होता है, डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं, बट सोफेस्टिकेटेड ऑब्जर्वेशन तब होता है जब हम सिलेक्ट करते हैं किसी बिहेवियर को, हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. दैट इज वॉट डे टू डे लाइफ ऑब्जर्वेशन इज, कि हम सिलेक्ट करते हैं, हम उस पर्टिकुलर बिहेवियर को यू नो और उसको ऑन टाइम हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एंड देन फाइनली एनालिसिस कर रहे होते हैं यूजिंग साइंटिफिक मेथड. तो ये जो होता है वो अनट्रेन्ड लोग नहीं कर सकते, केयरफुल ट्रेनिंग की जरूरत होती है और डिटेल्ड गाइडलाइंस चाहिए होते हैं किसी भी बिहेवियर के एनालिसिस के लिए. यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ फ्रीक्वेंट इंटरव्यूज, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा इन लोगों ने पॉइंट्स दिया गया है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है, मेच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. सिर्फ मेयर प्रेजेंस नहीं, मेयर प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर जो होता है वो कंटामिनेट कर देता है रिजल्ट्स को. जरूरी नहीं है कि इंसान जो है वो वैसे ही बिहेव करे जैसे वो नॉर्मल लाइफ में बिहेव करते हैं, नहीं, बिकॉज कोई इंसान प्रेजेंट है तो वो भी आपके जो डेटा प्रेजेंट होता है वो आपका ऑथेंटिक नहीं हो सकता. कभी कभी आपका जो डेटा होता है वो मैनिपुलेट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट. देन बिहेवियरल रेटिंग होता है. बिहेवियरल रेटिंग बेसिकली जो इंसान है उसको जो जानते हैं लोग, ठीक है, हु नो द असेसी इंटीमेटली एंड हैव इंटरेक्टेड विद हिम और हर, उनको हम लोग दे देते हैं और बोलते हैं कि अच्छा आप इनके बारे में आप रेटिंग दीजिए इनके बिहेवियर को. इसके साथ इसमें फाउंड किया गया है दैट द यूज ऑफ नंबर्स और जनरल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं इन रेटिंग स्केल ऑलवेज क्रिएट्स कंफ्यूजन फॉर द रेटर. तो इसलिए जरूरी होता है जो हम लोग रेट्स बना रहे हैं, जो स्केल बना रहे हैं, उसमें हम लोग वर्ड्स जो यूज करें वो ढंग से यूज करें. बट यहाँ पे भी सर्टेन इश्यूज आ जाते हैं. सबसे पहले हेलो इफेक्ट. हेलो इफेक्ट क्या होता है कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल देखा कि कोई इंसान है वो बहुत वेल ड्रेस्ड है, तो मैंने कहा चलो इसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, ये हेलो इफेक्ट है. एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को मैंने कहा कि ये हर चीज डिफाइन कर देता है इंसान की, दैट इज हेलो इफेक्ट. अगर मैंने कहा कि एक इंसान जो है वो काफी मतलब वोकल है क्लास में, काफी बहुत बातचीत करता रहता है, तो ये बहुत स्मार्ट होगा पढ़ाई में, ये हेलो इफेक्ट है. एक पर्टिकुलर मैंने चीज देखी उस इंसान के बारे में, अब मैंने एट्रीब्यूट कर दिया बहुत ज्यादा जनरल कैटेगरी में. सो ये सब चीजें आपकी हेलो इफेक्ट में आ जाती है. देन देर इज मिडिल कैटेगरी वर्सेज एक्सट्रीम कैटेगरी बायस. मिडिल कैटेगरी बायस इज बेसिकली जब भी आपको स्केल दिया जाता है आप यूजुअली मिडिल में आंसर कर रहे हो, जैसे कि स्केल में 1 2 3 4 5 है तो आप 3 में ज्यादा आंसर कर रहे हो, मोस्ट आंसर आप बीच बीच के दे रहे हो. एक्सट्रीम कैटेगरी यही होता है कि आप मोस्ट आंसर एंड एंड के दे रहे हो. तो ये जो बायसेस होते हैं इससे भी आपका जो रिजल्ट होता है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सही है, कभी कभी ये भी इश्यूज क्रिएट कर देते हैं. नेक्स्ट आता है आपको नॉमिनेशन. नॉमिनेशन आपने बिग बॉस में सुना होगा, इट कैन बी डन व्हेन अ पर्सन हु हैज बीन यू नो मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इंट्रैक्शन होता है, उससे पूछा जाता है कि अच्छा अगर आपको एक टास्क दूं तो आप किसके साथ वो टास्क करना चाहेंगे, अच्छा आप इसके साथ टास्क करेंगे, क्यों टास्क करना चाहेंगे आप इस इंसान के साथ, वो आपका बेसिकली आ जाता है नॉमिनेशन. तो लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन होता है एंड देन उसके बाद नॉमिनेशन से वो चूज करते हैं पर्सन को, देन उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया. नॉमिनेशन से फिर हम लोग समझ सकते हैं कि इंसान का क्यों मतलब यू नो जो दूसरा इंसान है जिसके बारे में वो डिसीजंस बना रहे हैं वो इंसान कैसा है इन पर्सन, यू नो उनकी पर्सनैलिटी को हम असेस कर सकते हैं. ऑब्वियसली पर्सनल बायसेस आ जाते हैं कहीं ना कहीं, बट मोर और लेस नॉमिनेशन इज अ गुड वेरिएबल, मतलब गुड वे फॉर अस टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी. सो फाइनली इज द सिचुएशनल टेस्ट. सिचुएशनल टेस्ट में बेसिकली क्या हुआ जाता है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज काइंड ऑफ टेस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग बिहेवियरल एनालिसिस के अंदर. और इसमें जो इंसान होता है हम उसको एक सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस को मतलब यू नो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है एंड वो बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, देन उसके बाद उनको उन लोगों के साथ डाला जाता है जो नॉन कोऑपरेटिव और इंटरफेयरिंग हो नेचर में. अब देखा जाता है वो कैसे तरीके से बिहेव करेंगे. इसके साथ यहाँ पे रोल प्लेइंग भी देखा मतलब यूज किया जाता है यूजुअली सिचुएशनल टेस्ट में एंड अ वर्बल रिपोर्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड.
द सिचुएशन शायद रियलिस्टिक भी हो सकती है या फिर वीडियो प्ले वाली सिचुएशन भी हो सकती है। तो सिचुएशनल टेस्ट में बेसिकली एक्चुअल लाइफ में वो कैसे बिहेव करेंगे वो हम लोग ट्राई करते हैं असेस करने का। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आई नो काफी ज्यादा लॉन्ग चला गया ये चैप्टर, बट दैट इज बिकॉज इसमें कंटेंट इतना ज्यादा था। आई होप आपको समझ में आ गया हो अभी तक। आई हैव ट्राई टू कवर एवरी सिंगल बिट, एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है आप वापस से उस पर्टिकुलर पार्ट में जाके रिवाइंड कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आपको और डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सो मच।